हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारा जीएस का पॉइंटर वाला घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है। सो टुडेज वीडियो विल बी ऑन मिडिवल पीरियड, जिसमें कम्प्लीटली एक मास्टर वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छी किताब है, पॉइंटर के फॉर्म में एकदम फैक्ट्स है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो जो भी आपके फैक्ट्स वाले एग्ज़ाम है, वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, तो बाकी ऐसे भी बहुत सारी बुक्स मैं कवर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। कर लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, अभी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, वो पूरा मिडिवल हिस्ट्री हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री को कम्प्लीटली वी विल कवर, ठीक है, जिसमें मुस्लिम इन्वेशन, दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोदी और ये सब डायनेस्टी कवर करेंगे। फिर विजयनगर एम्पायर भी आएगा, दिल्ली सल्तनत पीरियड के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, मिसलेनियस पॉइंट्स भी देखेंगे, एंड सो ऑन। फिर डेफिनेटली विल कवर वक्ती एंड सूफी मूवमेंट, मुगल डायनेस्टी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सारे चीज़ हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए टारगेट पेज पे चलते हैं, 40 नंबर पे अपना, ठीक है। सो 40th पेज पे हमारा स्टार्ट हो जाता है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम इन्वेशन की बात करेंगे, जो भारत पे मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि मुस्लिम जो रिलीजन है, उसके फाउंडर हज़रत मोहम्मद साहब थे, पैगंबर साहब, जिन्हें प्रोफेट कहा जाता है। इनका जन्म जो है 570 AD में हुआ था, 570 AD में इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहेब जो थे, ही डाइड इन द ईयर 632, 62 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। मक्का जो कि लोकेटेड है सऊदी अरबिया में, ये एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज साइट है इस रिलीजन के लिए। द वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद, जिसे इंडिया कहते हैं, वॉज फर्स्ट यूज बाई द अरब्स। अरबों ने ही पहली बार जो है हिंदू वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो सिंधु नदी है उसको हिंद बोला उन्होंने, इंडिया बोला उसको, बोला कि उसके जो ईस्ट में रहते हैं, ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। तो ये पहला जो टर्म है हिंदू यूज़ किया था अरब्स ने। फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर 712 AD। पहला जो है सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक जो है भारत पे हुआ था 712 AD में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने कंकर किया था, जीत लिया था उसने 712 AD में सिंध को जीत लिया था। आउट ऑफ द गिवन इन्वेडर्स, नेमली गजनविद्स, घुरीड्स, अरब्स, हु वेयर द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, तो सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वेडर थे वो अरबियन ही थे, अरब्स थे, ठीक है। इनका काम जो था, ये लूटना चाहते थे एक्चुअली, इनका धन कलेक्शन करना, लूटना ज़्यादातर जो है काम था इनका। ये डायनेस्टी एज सच उस समय नहीं बनाना चाहते थे। आउट ऑफ द गिवन इन्वेडर नेमली कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम एंड मोहम्मद गोरी, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला अटैक 712 AD में किया था। मोहम्मद बिन कासिम वॉज एक अरबियन था, ये अरब का था ये। द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी वॉज अल्पटिगिन, जो गजनविद डायनेस्टी थी उसका फाउंडर था अल्पटिगिन। ये पूछता है सवाल तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी वॉज अल्पटिगिन। द चंदेल किंग हु वॉज नॉट डिफीटेड बाई मोहम्मद गजनवी डिस्पाइट लॉट ऑफ एफर्ट्स, ये हरा नहीं पाया चंदेल किंग को, वो था विद्याधर को ये हरा नहीं पाया मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी गजनी जो था, मोहम्मद गजनी या गजनवी जिसे कहते हैं, वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। द
प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट बिरावल. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल से इम्पॉर्टेंट क्या है? सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगासरीन. ये शिव से रिलेटेड है. ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अल बरूनी, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था. ठीक है, किताब अल हिंद इसने लिखी थी, उसमें जिक्र किया है इसने सोमनाथ टेम्पल का, डिस्क्रिप्शन दिया है. प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाई प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्टवाइल, उस समय जब वो प्रेसिडेंट थे, 50s 60s की बात है. द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी वॉज, जो कोर्ट हिस्टोरियन था महमूद ऑफ गजनी का, वो था उतबी. ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है. कोर्ट हिस्टोरियन जो था, मतलब उसमें सम्राट, मतलब जो वो ये शासक था उसका खुद का हिस्टोरियन था ये, इसका नाम था उतबी. द चंदेल किंग हु फेस्ड महमूद गजनवी वॉज, द चंदेल किंग हु फेस्ड महमूद गजनवी वॉज विद्याधर और हरा नहीं पाया इसको. ठीक है, महमूद गजनवी हरा नहीं पाया. द रूलर हु रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल आफ्टर द इन्वेशन ऑफ महमूद गजनवी, इनका नाम था भीमदेव वन. इन्होंने दोबारा बनवाया था, फिर भी इसने दोबारा अटैक करके लूटा. सो ऑथर ऑफ शाहनामा फिरदौसी वॉज एसोसिएटेड विथ, फिरदौसी जो हम जानते हैं कि शाहनामा के लेखक हैं, ही वॉज विद द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी फिरदौसी. द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनवी, तो ये उज्बेकिस्तान का था एक्चुअली, और अल बरूनी जो था उज्बेकिस्तान का था, और मोहम्मद गजनी जब अटैक किया उज्बेकिस्तान पे, तो वहाँ पे इसको अल बरूनी मिल गया. अल बरूनी की चर्चा हुई वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस निकला कि भाई बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, तो इसने ना इसको अपना कोर्ट हिस्टोरियन बना लिया. और इसके साथ ही भारत भी आया, किताब अल हिंद लिखा इसने. अल बरूनी भारत कब आया? 11वीं सेंचुरी AD में आया था. अल बरूनी भारत आया 11वीं सेंचुरी AD में. ट्रू स्टेटमेंट देखना है अल बरूनी से रिलेटेड, क्योंकि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब अल हिंद लिखा है. सो हिज राइटिंग्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडिया से इन्फ्लुएंस था. इसने क्या किया, बेसिकली संस्कृत स्कॉलर्स के साथ मिलकर संस्कृत सीखा पहले, और यहाँ के जो है टेक्स्ट को समझने का कोशिश किया, और फिर इसने जो है किताब अल हिंद लिखा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सोसाइटी, इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो. ही वॉज संस्कृत स्कॉलर, क्योंकि यहाँ पे आके इसने यहाँ के पंडितों से अल बरूनी ने संस्कृत सीखा. ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का भी ये एक्सपर्ट था. द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराणाज वॉज, तो इसीलिए संस्कृत पढ़ रहा था क्योंकि इसको पुराणों की ज्ञान लेनी थी और पुराना को पढ़ना था. अल बरूनी ने जो है इसको स्टडी किया. द रूलर हु इशूड सिल्वर क्वाइंस विथ संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड वॉज महमूद गजनी. रिस्पेक्ट दिया इसने, ठीक है, महमूद गजनी ने. ये पहला रूलर बना जिसने इशू किया क्वाइंस विथ संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड. द रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 इज सिहाबुद्दीन महमूद गोरी. मोहम्मद गोरी जो है इसकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, बैटल ऑफ तराइन में. 1192 में ये जीत गया, 1191 में हार गया था, बाद में धोखे से जीता. खैर, तो ये सेंट्रल एशिया का रूलर था जिसने नॉर्थ इंडिया को कैप्चर किया. मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई मूल राज द्वितीय के द्वारा, मतलब तराइन के युद्ध से पहले भी यह हार चुका था, मूल राज द्वितीय के द्वारा यह हारा था. मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र इन बैटल ऑफ चंदवार, जो कि 1194 में लड़ाई लड़ी गई थी. तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ चंदवार, जहाँ पे मोहम्मद गोरी ने डिफीट कर दिया जयचंद को. बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वॉज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वॉज बैटल ऑफ तराइन. द करेक्ट अरेंजमेंट देखना है ऑफ इन्वेडर्स नेम्स हुज इन्वेडेड इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने इन्वेड किया 11वीं शताब्दी में. मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी के अंत में बिल्कुल इसने अटैक किया. चंगेज़ खान ने 13वीं शताब्दी में, और तैमूर ने भी लगभग उसी के थोड़ा सा आगे पीछे अटैक किया था 14वीं के आसपास. द मुस्लिम रूलर हु इशूड क्वाइंस दैट बोर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी,
इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिम रूलर होके भी कॉइन इशू किया जिस पे देवी लक्ष्मी का जो है इमेज था। मोहम्मद गोरी इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया टू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्लेव था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का स्लेव था और इनफैक्ट इसको कमांडर बनाया हुआ था इसने आर्मी का। तो मोहम्मद गोरी ने ग्रांट किया पहला एकता इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्लेव डायनेस्टी की जो है नींव रख दी थी। इब्न बख्तियार खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी हु कंकर्ड बंगाल एंड बिहार वाज ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। ही वाज अगेन द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी जिसने बिहार और बंगाल को जीता, कंकर किया, और बिहार में तो इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को ही फूंक दिया, आग लगा दिया उसमें, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। जितने भी बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ थे उदंतपुरी को भी तहस नहस कर दिया। नालंदा बिहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाई इब्न बख्तियार खिलजी 1198 में। द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार वॉज इब्न बख्तियार खिलजी। द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार वॉज इब्न बख्तियार खिलजी। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग तुर्किस इन्वेशन ऑफ इंडिया इज। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग तुर्किस इन्वेशन इन इंडिया, तुर्किसों ने जब अटैक किया इंडिया पे तो उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो तुर्किस इन्वेशन ऑफ इंडिया वॉज सक्सेसफुल बिकॉज देर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि सब जो है अपने अपने एरिया में ही शासन कर रहे थे, बहुत राजा थे उस समय। सो देर वॉज नॉट पॉलिटिकल यूनिटी एंड द इंक्रिप्शन दैट रिवील्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स गिल्ड इज दासपुर इंक्रिप्शन। द इंक्रिप्शन दैट रिवील्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर गिल्ड इज दासपुर इंक्रिप्शन। पनाही पनाही एंड उपना वेयर मैंसनड इन द मिडिवल टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जूतों से संबंधित था। पनाही या फिर उपना जो था ये सूज हुआ करते थे उस समय मिडिवल टाइम में के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको इक्ता दिया था मोहम्मद गोरी ने, तो ये इक्ता के साथ इसने जो है सल्तनत पीरियड में इसने स्लेव डायनेस्टी बना दी थी। सो द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि खुद एक स्लेव था मोहम्मद गोरी का। इसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रख दी, दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट हो जाता है यहीं से। इसमें तीन और भी दो तीन डायनेस्टी आती हैं, ठीक है, स्लेव के बाद फिर आपका खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, इसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद लोदी डायनेस्टी, ये सब, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑल्दो हैज़ नॉट एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान हु इज़ नोन एज लाख बख्स। तो काफ़ी ये जो है उदार दिल का था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्स का उपाधि दिया गया था इसके उदारता की वजह से। द कंट्रीब्यूशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार वॉज गिवन बाई। तो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी के लिए, कुतुबुद्दीन काकी जो कि एक बहुत बड़े सेंट, सूफी सेंट थे, उनके लिए ये बन रहा था कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने इसको फिनिश करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे मरम्मत करवाया था। तो तमाम ये लोग रिलेटेड हैं, कुतुब मीनार से रिलेटेड है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कभी जाना दिल्ली में। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश। कम्प्लीटेड बोले तो इल्तुतमिश, स्टार्टेड बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड बिल्ट अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इट इज़ सिचुएटेड इन अजमेर राजस्थान। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर राजस्थान में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर। उस समय जो था कैपिटल दिल्ली नहीं हुआ करता था, दिल्ली को कैपिटल बनाया था इल्तुतमिश ने। तो कैपिटल जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में था वो लाहौर में था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत कैसे हुआ, तो ये चौगन खेल रहा था, पोलो जिसे कहते हैं, घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई। पोलो खेलते समय, चौगन खेलते समय, खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और टपक लिया। द रूलर हु इस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत पीरियड वॉज इल्तुतमिश। द रूलर हु इस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत पीरियड वॉज, आंसर होगा इसका इल्तुतमिश। सो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर क्वाइंस एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज इल्तुतमिश। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर क्वाइंस
and declared Delhi as the capital of his empire was Iltutmish. The first Muslim ruler of Delhi was, क्योंकि दिल्ली को इसने कैपिटल बनाया था, लाहौर से अब शिफ्ट होके दिल्ली कैपिटल बन चुकी थी, तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर था दिल्ली का इल्तुतमिश। अगर ऐसा सवाल पूछे दिल्ली का तो इल्तुतमिश, क्योंकि हालांकि स्लेव डायनेस्टी की नींव पड़ गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बट उस समय कैपिटल जो थी वो लाहौर हुआ करती थी। द मुस्लिम रूलर एमंग बलबन रजिया सुल्तान इल्तुतमिश एंड नसीरुद्दीन हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ दर उर उल इस्लाम। तो ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, कई बार मैं देखा हूँ कई जगह भी पूछा जा चुका है। सो द मुस्लिम रूलर एमंग बलबन रजिया सुल्तान इल्तुतमिश एंड नसीरुद्दीन, ये सब स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ दर उल इस्लाम, आंसर होगा इसका इल्तुतमिश, दरुल इस्लाम का पार्ट, स्लेव ऑफ स्लेव। तो इल्तुतमिश जो था ये स्लेव ऑफ स्लेव इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि खुद बख्तियार खुद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्लेव था, और इसका भी स्लेव था इल्तुतमिश, जो कि बाद में इसका दामाद भी बना कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसीलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। एमंग ताजुद्दीन यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान एंड मलिक अल्तुनिया, द पर्सन हु वाज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिश वाज मलिक अल्तुनिया, जो था ये राइवल नहीं था, सपोर्टर था इल्तुतमिश का। द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया वाज रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को जो है इल्तुतमिश की इच्छा पे बनाया गया था, एक्चुअली इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया जो है वो इसके बाद जो है सुल्तान बने, पहली वुमेन थी जो कि मिडिवल इंडिया में सुल्तान बनी, इसका नाम था रजिया सुल्तान, हालांकि बाद में इसको मरवा दिया गया। मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, उस समय शासन कौन था? इल्तुतमिश का शासन था। मंगोल्स वेर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश मंगोल्स वेर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान वॉज तेमुचिन, या फिर तेमुजिन भी बोलते हैं, तेमुचिन या फिर तेमुजिन भी बोलते हैं, द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान वॉज तेमुचिन। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू, इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार बिहार का बनाया था मलिक जानी को, मलिक जानी को बनाया था। ये सवाल बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। द नोबल्स बिहाइंड द डी थोर्निंग ऑफ रजिया बेगम वेयर दे वेयर ऑल तुर्किस, नोबल्स जो थे वो तुर्किस हुआ करते थे, इन्होंने रजिया सुल्तान को गद्दी से भी हटवाया और मरवा भी दिया। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज, बलबन जो था काफ़ी बूढ़े समय तक इसने शासन किया, सबसे लंबा शासन इसका था, इसका नाम था गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है ये अपने नोबल्स के अगेंस्ट में फॉलो किया कि भैया इनको बिल्कुल सप्रेस करके रखना है, क्योंकि वो जो है किसी को भी सुल्तान को कुछ समझते ही नहीं थे, तो बलबन ने जो है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी उनके अगेंस्ट में, नोबल्स के अगेंस्ट में लाई थी। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु फॉर्मुलेटेड द थियोरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थियोरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, ये था बलबन, इसने जो है पहला ये मुस्लिम रूलर बना जिसने थ्योरी निकाली, थ्योरी ऑफ किंगशिप की, भाई किंग महान है, उसके पास डिवाइन राइट है, उसको कोई सरपास नहीं कर सकता, ये बलबन ने जो है निकाला था। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बलबन आर, दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कहता है कि बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म, बहुत इसने मजबूत बनाया, स्टेबल बनाया, सेंट्रलाइज्ड बनाया, मतलब खुद सेंटर से इसे कंट्रोल करता था, अपने हाथ में रखता था पावर्स को, एंड सेंट्रलाइज कर दिया, ऑल अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लिया इसने, तो इससे क्या है जो नोबल्स का पावर था वो काफ़ी कम हो गया। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेशन ऑल्सो, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम्ड क्या टाइटल लगाया था जब इसके
पावर को इसने जो है कंसोलिडेट कर लिया, तो इसने टाइटल दिया अपने को जिले इलाही का, जिले इलाही का। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, जिले इलाही का टाइटल जो है बलबन को दिया गया है। इन इंडिया द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, भारत में जो है जो पर्शियन फेस्टिवल नवरोज है ये बलबन ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो आंसर होगा बलबन ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बलबन आपको देखना है। सो बलबन वाज हु ही इंट्रोड्यूस्ड द थियोरी ऑफ नियाबत ए खुदाई। इसके अलावा ही लिमिटेड द पावर ऑफ तुर्कन ए चहलगानी, जो नोबल्स थे उनका पावर को इलिमिनेट किया। एंड ही क्वेल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में जो रिवोल्ट हुआ था उसे भी दबाया। एंड द टाइटल ऑफ उलुग खान वॉज गिवन बाई नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन को उलुग खान का टाइटल किसने दिया था, ये टाइटल दिया था नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, बलबन को उलुग खान का टाइटल जो है नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। द सुल्तान हु हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ खलीफ, हेल्पर ऑफ खलीफ इन हिज इंक्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क ऑफ एट ग्रह मुक्तेश्वर वॉज बलबन। ऐसा सुल्तान बताना है जिसने अपने आप को हेल्पर ऑफ खलीफ कहा, एक इंक्रिप्शन में लिखवाया जो कि ऑन द वॉल्स ऑफ मॉस्क एट ग्रह मुक्तेश्वरा में ये लिखवाया था। द सुल्तान हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज, ये जो है खेती से रिलेटेड, एक नहीं खेती से नहीं रेवेन्यू से रिलेटेड था। द सुल्तान हु क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत वाज बलबन। द मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगीरी वाज रिटन बाय, द मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगीरी वाज रिटन बाय सकी मुश्ताक खान। आंसर होगा सकी मुश्ताक खान। तुगरील खान रेज्ड ए स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ बलबन। तुगरील खान जो था ये बिहार में इसको भेजा गया था एज ए गवर्नर, बलबन ने बोला था, वहाँ पे इसने जो है रिवोल्ट छेड़ दिया, तो बाद में इसको मरवाया भी बलबन ने। सो गाइस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में पहला पॉइंट है व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वाज फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत। सुल्तान बरनी मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट विच रूलर, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला गया। इसने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि शरीयत के हिसाब से चलूँगा, मैं अब किंग हूँ, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता हूँ। ये स्टेटमेंट सुल्तान बरनी ने दिया था अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी। द सुल्तान हु वॉन्टेड टू लॉन्च ए न्यू रिलीजन बट उलेमाज अपोज्ड द मूव, बिल्कुल नया जो है रिलीजन अपना ये इस्टेब्लिश करना चाहता था, बट उस समय के जो उलेमा थे, उलेमा मतलब कि जो रिलीजियस जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था नया रिलीजन बनाना, बट उलेमाज ने इसको अपोज कर दिया। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द सेकेंड, अलेक्जेंडर एक महान शासक था, आप जानते हैं सिकंदर की बात हो रही है, तो इसने अपने आप को अलेक्जेंडर द्वितीय कहा था। ये जो है ही एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर सेकेंड, दिस सुल्तान वॉज अलाउद्दीन खिलजी। द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत विच रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, बहुत ही छोटे समय के लिए, 1206 से 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने शासन किया, तो काफ़ी छोटे समय तक शासन किया खिलजियों ने, खिलजी शॉर्टेस्ट पीरियड दिल्ली सल्तनत का खिलजी का रहा। द फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स, मंगोलों का आक्रमण उस समय काफ़ी ज़ोर शोर पे था, चंगेज़ खान के मंगोल्स जो थे वो लगातार आक्रमण कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी इनसे लड़ रहा था, भिड़ रहा था, और इस चक्कर में उसने अपने आर्मी कमांडर को गंवा दिया जिसका नाम था जफर खान। पद्मिनी इज एसोसिएटेड विथ अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौर, हर हस्बैंड्स नेम इज, हम जानते हैं कि पद्मावत जो है, पद्मावती या पद्मिनी जिसे कहते हैं, सी वॉज वाइफ ऑफ चित्तौर किंग राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, और इस चक्कर में चित्तौर में लड़ाई भी हुई, काफ़ी ब्रेवली लड़े,
ट्रीचरसली इनको मर्डर कर दिया गया राणा रतन सिंह को। इसके बाद जो है वहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। ही वॉज नोन एज हजार दिनारी। हजार दिनारी किसे कहते हैं? हजार दिनारी जो है मलिक कफूर को कहते थे। ये एक स्लेव था, ठीक है, और स्लेव ये था, परचेज किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, मतलब परचेज तो किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन ये गिफ्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर, हजार दिनारी। द पर्पस ऑफ अलाउद्दीन्स डेक्कन एक्सपेडिशंस वॉज, क्यों जो है डेक्कन पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब डेक्कन पे आक्रमण किया था तो फाइनेंशियल वेंचर्स था उसका कि कुछ पैसे वैसे जो है खजाने लूटे जाएँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एमंग रणथंभौर, गुजरात, वारंगल एंड चित्तौर में सबसे पहले गुजरात का विजय हुआ इसका 1299 एडी में, फिर रणथंभौर का जो कि राजस्थान में पड़ता है 1301 एडी में विजय हुआ, फिर चित्तौर का विजय 1303 एडी में, और फिर वारंगल का विजय हुआ 1310 में। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौर एंड वारंगल। द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन वॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, देवगिरी अगेन साउथ में पड़ता है, उस समय जब अलाउद्दीन का इन्वेशन हुआ, आक्रमण हुआ, तो वहाँ का रूलर था रामचंद्र देव, और ये पराजित हो गया। फॉलोइंग आर करेक्ट मैच, देखिए उस समय कौन से रूलर थे किस जगह पे जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट हुए, तो इसमें रणथंभौर में हमीर देव साहब जो थे यहाँ पे किंग थे, और चित्तौर में राणा रतन सिंह, आपने तो पद्मावत मूवी भी देखी होगी शायद, देवगिरी राजा रामचंद्रा एंड गुजरात में कर्णदेव जो है इनको हरा कर इनका राजपाट जीत लिया था। द आर्मी दैट वॉज डिफीटेड बाई द आर्मी ऑफ काकातिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल वॉज एसोसिएटेड विथ, द आर्मी दैट वॉज डिफीटेड बाई आर्मी ऑफ काकातिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल वॉज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन खिलजी को की आर्मी को यहाँ पे काकातिया वालों ने हरा दिया था। खलीसा लैंड, खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच सुल्तान, खलीसा लैंड जो है लार्ज स्केल पे जो है डेवलप हुआ ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज द लैंड रेवेन्यू इन वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज, सीधा आधा प्रोड्यूस जो है अपना जो है टैक्स के तौर पर लैंड रेवेन्यू के तौर पर लेने लग गया था, ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों, मोहम्मद बिन तुगलक तो है पगला सुल्तान भी कहते हैं इसको। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, काफ़ी ज़्यादा मार्केट रिफॉर्म, आप जो दिल्ली में पुरानी दिल्ली का जो एरिया है या फिर जो चांदनी चौक वाला ये सब मार्केट उस समय इस्टेब्लिश करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म इसने किए थे, प्राइस कंट्रोल की नीति लेके आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है मार्केट कंट्रोल से रिलेटेड काफ़ी फेमस व्यक्तित्व है। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस वॉज, द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस वॉज हाईली सक्सेसफुल, इट वॉज हाईली सक्सेसफुल ऑल्सो। द ट्रू स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ अलाउद्दीन खिलजी आर, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है तो कुछ इसके दो जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाई मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, हाफ ऑफ द जो है इसने जो है प्रोड्यूस का टैक्स डिसाइड भी किया था, बट मेजरिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड के बाद ही डिसाइड हुआ था। ही अबोलिश द पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो उस समय प्रोविंस में गवर्नर्स हुआ करते थे उनके पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसने उनके पावर्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, एबोलिश कर दिया। द किंग ऑफ द मिडिवल इंडिया हु बिगेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS जो आज चलता है ना, TPDS, PDS, ये उस समय भी चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, गरीबों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो है खाने पीने के सामान वगैरह दिए जाते थे, तो ये जो है द किंग ऑफ मिडिवल इंडिया हु बिगेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है करेक्टली मैच आपको बताना है, प्रिंसली स्टेट और उसके रूलर्स जिन पे आक्रमण करके इनको जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव शंकर देव, वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय, और होयसलाओं का शासक था वीर बल्लाल, मदुरई का किंग था वीर पांड्या। द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, खुद को खलीफा घोषित कर दिया, वैसा कौन सा रूलर है जिसने खुद को खलीफा ही घोषित कर दिया, इसका नाम है मुबारक खिलजी।
मुबारक खिलजी। प्राइस कंट्रोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली भाई, दिल्ली में जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्राइस कंट्रोल की नीति आई थी, जिसमें इसने जो है एक मैक्स लिमिट बना दिया था कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, चाहे मार्केट डिमांड सप्लाई कुछ भी चीज़ हो। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वॉज द फर्स्ट टू चेंज चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स, ठीक है, सुल्तान वैसा जिसने पहला जो है हाउस टैक्स कलेक्शन शुरू किया, ये था अलाउद्दीन खिलजी। चेहरा सिस्टम वॉज, चेहरा और दाग सिस्टम जो है ना, दोनों सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। दाग सिस्टम में घोड़ों को जो है ब्रांड किया जाता था, दागा जाता था, जिससे कि घोड़े जो थे ब्रांडेड हुआ करते थे बेसिकली। चेहरा सिस्टम वॉज रिलेटेड टू आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर एवरी सोल्जर्स, जो मतलब जैसे आज के डेट में एक सोल्जर को आईडी कार्ड दिया जाता है ना, वैसे ही चेहरा सिस्टम के द्वारा आईडी कार्ड जो है हर सोल्जर्स को दिया जाता था। दाग सिस्टम अगेन मिलिट्री से रिलेटेड था। दाग सिस्टम टू ब्रांड हॉर्सेस सेलेक्टेड फॉर वार वॉज स्टार्टेड बाई अलाउद्दीन खिलजी। तो चेहरा और दाग सिस्टम दोनों जो है अलाउद्दीन खिलजी की देन है, ये लेके आया था। द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 AD, ठीक है, 1306 AD के बाद जो है बाउंड्री जो है रिवर रबि जो है डिसाइड हो गई थी कि बाउंड्री होगी दिल्ली सुल्तान और मंगोलों के बीच में, रिवर रबि जो है बाउंड्री होगी। ये 1306 में लड़ाई के बाद डिसाइड हो गया था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट है बताना है, रेफरेंस इंडियन हिस्ट्री के प्रस्पेक्टिव में देखें तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वन मंगोल असॉल्ट दैट इज़ कुटलुग ख्वाजा मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी, उस समय दिल्ली पे भी कैप्चर कर लिया था इन्होंने मंगोलों ने। आउट ऑफ द गिवन सुल्तान्स नेमली इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। अब तो देखिए इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन तो स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये बिलोंग करता था खिलजी डायनेस्टी को। तो इनके बारे में कहा गया कि हु अपॉइंटेड ए स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी हो गई। अब अगला जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने काफ़ी अच्छा खासा समय जो है रूल किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही रूल किया है। सो द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जिसने हु अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ये खुद जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, बाद में इसने सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया। इसका नाम है गाजी मलिक, ग्यासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है, ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक। इसने बाद में नाम रख के अपने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो था गाजी मलिक ही था। तो गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, तो गाजी मलिक जो है ही वॉज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। गाजी मलिक किस डायनेस्टी का फाउंडर है, गाजी मलिक डायनेस्टी का फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। बाद में नाम चेंज कर लिया था ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से, ये गद्दी पे बैठा। सो आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, विच रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे ज़्यादा समय के लिए जो है शासन रहा किसका शासन रहा, तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए शासन रहा, तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा था शासन। सो द मोस्ट लर्न्ड रूलर, सबसे कम मैंने बताया था किसका, खिलजियों का ही, ठीक है। सो द मोस्ट लर्न्ड रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। आप कितना भी इसको पागल कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये पढ़ा लिखा बहुत था। इसने तुगलक की फरमान जारी किया, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट करी, टोकन करेंसी लेके आया, ये सब फेल हो गया। मंगोलों का जो इसका नियम था, नीति था, वो भी फेल हो गया। बट इसका जो एजुकेशन था वो एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, हर जगह ये पढ़ा लिखा आदमी था, बट ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ठीक है। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द न्यू डेवलपमेंट दीवाने आमिर कोही, द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द न्यू डिपार्टमेंट दीवाने आमिर कोही, ये नया डिपार्टमेंट जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है इसको लाया था, दीवाने कोही, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हैड प्लान्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यही जो है डिपार्टमेंट था दीवाने कोही, और ये जो था इसमें प्लान था कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होगा और जो है एक ही फसल नहीं बार बार उगाया जाएगा। इसका नीति अच्छा था, लेकिन उस समय की सोसाइटी को सूट नहीं किया। ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो कि नया डिपार्टमेंट बनवाया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सो मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल
जो दिल्ली से अपनी कैपिटल दौलताबाद ले गया था और फिर वापस भी ले आया, ये तुगलकी फरमान इसीलिए इसको कहा जाता है। लोग रोने लग गए थे कि भाई इतनी दूर पैदल जाओ फिर पैदल आओ, और मतलब एक जगह के साथ अटैचमेंट भी हो जाता है ना कि भाई अब एक तुगलकी फरमान आया कि भैया आप सामान लाद लो बांध लो अब चल दो अब सीधे दिल्ली छोड़ के दौलताबाद। तो ये ड्रैकोनियन इसके डिसीजंस थे। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसने क्या किया, जो सिल्वर के कॉइन्स थे उनको बोला कि अब ये नहीं चलेंगे, डीमोनेटाइजेशन टाइप का कर दिया इसने, और बोला कि टोकन करेंसी चलेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, होर्डिंग करनी शुरू कर दी, मतलब सिल्वर कॉइन्स को तो होर्ड कर गए और बाकी जो है काम जो है वो टोकन करेंसी से कर रहे थे। तो ये भी सक्सेसफुल नहीं रह पाया। द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है ट्रू स्टेटमेंट बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू कॉइन गोल्ड कॉइन विच वॉज कॉल्ड दिनार बाई इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया हुआ एक ट्रैवलर था और बहुत बड़ा जो है ये रिहाला करके इसने जो है एक बुक भी लिखी थी, इब्न बतूता मोरक्को रबात, ठीक है, यहाँ से आया था। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द स्कीम ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। बिल्कुल सही है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, जो है सिल्वर की करेंसी को वो होर्ड करके रख लिया और लोगों ने जो है डील किया टोकन करेंसी में। तो इससे क्या है कि जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। मोहम्मद तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर माइनिंग ऑफ मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। लोगों ने फर्जी कॉइन्स भी जो है बनाने शुरू कर दिए, तो इससे भी जो है मार्केट में फर्जी कॉइन्स आ गए, काउंटरफेट करेंसी जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता द मूरिस और मोरक्को का जो है निवासी था, ट्रैवलर था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ और रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, भारत में उस समय सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, भारत में उस समय सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। द पर्सन हु हैज़ गिवन ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इज। सवाल है कि द पर्सन हु हैज़ गिवन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ये है इब्न बतूता ने जो है रिहाला में इसको मेंशन किया है। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु पार्टिसिपेटेड इन द पब्लिक एजुकेशन ऑफ होली, पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। तो मतलब हिंदुओं के साथ मिल के होली मनाने वाला सुल्तान है ये मोहम्मद बिन तुगलक। द किंग हु फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल, द किंग हु फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज डेथ, बदाउनी कमेंटेड दिस। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदाउनी ने कहा कि जनता को राजा से मुक्ति और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था उसके डेथ पे। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड को हेल्प करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो था ये एक थोड़ा सा सहिष्णु कह सकते हैं, जैनों को काफ़ी हेल्प किया इसने और बहुत सारा जो है लिबरल था थोड़ा सा ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस और एक्टिविटी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द चैरिटी एंड आल्म एंड इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट कॉल दीवान खैरात। चैरिटी के लिए इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही खोल दिया कि भाई चैरिटी दान के लिए, बेसिकली दीवान खैरात करके इसने जो है एक अलग ही जो है डिपार्टमेंट खोल दिया। ये था फिरोज शाह तुगलक। द सुल्तान हु हैड मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन द कोर्ट, सबसे ज़्यादा जो है, और इनके लिए स्लेवों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी खोला, ये था फिरोज तुगलक। सबसे ज़्यादा स्लेव जो थे फिरोज तुगलक के ही जो है दरबार में थे एंड इसके पास स्लेवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। द ट्रू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मिडीवल इंडियन रूलर इज फिरोज तुगलक सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव जिसे दीवान बंदागन बोला गया। अलग ही डिपार्टमेंट खोल दिया स्लेवों के लिए, ठीक है, स्लेवों के लिए, दासों के लिए, स्लेवों के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट खोल दिया इसने जिसे दीवान बंदागन बोला गया है, दीवान बंदागन बोला गया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज प्राइमरली इस्टेब्लिश्ड बाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है प्राइमरली इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये गद्दी पे बैठा था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रिपूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स,
नहरों की काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन करवाई थी इंडिया में इसने, फिरोज शाह तुगलक, सिटी बनवाए थे काफ़ी ज़्यादा इसने, फिरोजाबाद, हिसार, तमाम ऐसे, विथ रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल्स फॉर इन रीचिंग एग्रीकल्चर, द क्रेडिट ऑफ बींग द फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी इज गिवन टू ग्यासुद्दीन तुगलक। पहला जो है ग्यासुद्दीन तुगलक था, बट सबसे ज़्यादा जो है नेटवर्क बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था कैनाल्स का। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज सेड टू हैव लेवीड हक्के सर्व और इरीगेशन टैक्स। अब देखो कनाल बना दिया, इतना खर्चा हुआ उस पर कुड़ाई में, खुदाई में, उसको मेंटेनेंस में बहुत खर्चे हैं कैनल्स बनाने में, तो उसके लिए इरीगेशन टैक्स भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो पहला सुल्तान बनाइए दिल्ली का जो कि इरीगेशन टैक्स लगाया, फिरोज तुगलक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड लेवीड जिजिया ऑन ब्राह्मिन्स। जिजिया ऑन ब्राह्मिन एक रिलीजियस कर था, ये थोड़ा सा एक्टिविटी इसका ठीक नहीं लगा। इसने जिजिया कर लगाया, नॉन मुस्लिम्स पे जो है कर लगाया जाता था उसकी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, और ये जो लगाया था हिंदुओं पे, ब्राह्मिन्स पे लगाया था जिजिया कर, ये एक कर था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, फिरोज तुगलक ने लगवाया था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड मीजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड मीजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट वॉज अगेन फिरोज तुगलक। द टू अशोका पिलर्स वेयर ब्रॉट टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ। ये किसके समय लाया गया था? अशोक के दो पिलर जो कि टोपरा और मेरठ से दिल्ली लेके आया गया, ये फिरोज शाह तुगलक के समय ही लेके आया गया था, टोपरा और मेरठ से दिल्ली लेके आया गया दो अशोकन पिलर्स को। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटी अंडरस्टैंड ईच अदर आइडियाज़ बेटर वाज। जैसे हिंदी को उर्दू और उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ही बनवा दिया था ताकि दोनों कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा हो, ये काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। मतलब कि उस समय के राजपाट के खजाने से जो है हज यात्रा पॉसिबल हो पाया था, ये पॉसिबल करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आपका खर्चा नहीं लगेगा, आपको सरकार खर्चा देती थी उस समय। दर उल सफ़ा इस्टेब्लिश बाई फिरोज तुगलक, ये क्या था? दर उल सफ़ा एक फ्री हॉस्पिटल हुआ करता था, दर उल सफ़ा जो था एक फ्री हॉस्पिटल हुआ करता था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश करवाया था। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ न्यू दिल्ली सल्तनत वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद। आखिरी रूलर जो है तुगलक डायनेस्टी का था नसीरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर लंग अटैक किया भारत पे, कब अटैक किया ये? ठीक है, तैमूर लंग जब भारत पे अटैक किया तो कब अटैक किया? ये अटैक किया था 1398 AD में। तैमूर लंग ने भारत पे अटैक किया जो है ये 1398 AD में अटैक किया। तैमूर ने इन्वेड किया भारत पे, किस उस समय गद्दी पे भारत में कौन बैठा था? तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में आखिरी किंग जो था उस समय तुगलकों का, नसीरुद्दीन मोहम्मद ये आखिरी किंग था तुगलकों का, ये गद्दी पे बैठा था जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ भारत पर। तो दिल्ली दैट रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तैमूर वाज। तो ये तैमूर के इन्वेशन के बाद जो है खिलजी डायनेस्टी ख़त्म ही हो गई और उसके बाद सैयद डायनेस्टी का जो है नींव पड़ गया, सैयद डायनेस्टी का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स बताना है तो रुकुद्दीन जो था ये एक स्लेव डायनेस्टी का शासक था, रुकनुद्दीन, उसके बाद रजिया सुल्तान बैठी थी। तो रुकनुद्दीन 1236 में ये शासन किया। मुबारक खान जो कि 1316 से लेकर 1320 तक इसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा 1351 से 1388 तक, और फिर आलम शाह का जो है शासन रहा सैयद डायनेस्टी का 1445 से 1451 एडी तक। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिस अंडर हुम आइन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व। आंसर होगा इल्तुतमिस। अब देखिए, अब तुगलक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन सल्तनत रूलर्स नेमली खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी विच वाज ऑफ अफगान ओरिजिन। तो इनमें देखा जाए खिलजियों में, तुगलकों में, सैयद डायनेस्टी में और लोधी डायनेस्टी में, तो अफगान को बिलोंग करते थे लोधी। लोधी जो थे अफगानी थे। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर्स टू थ्रोन ऑफ दिल्ली।
अफ़गान रूलरों में सबसे पहला था जिसने लोदी डायनेस्टी को फाउंड ही किया था, ये था बहलुल लोदी जिन्हें फाउंड किया था, और ये 1451 से लेकर 1489 एडी तक इसने शासन किया। फिर सिकंदर लोदी काफ़ी फेमस, आगरा को इस्टेब्लिश करने वाला जो है ये बंदा था सिकंदर लोदी, कैपिटल भी बनाया था आगरा को दिल्ली से, 1489 से 1517 तक शासन किया। फिर इब्राहिम लोदी जिसकी बाबर से लड़ाई हो जाती है 1526 में, ये आखिरी किंग था, ठीक है, सुल्तान था। महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली 1518 में लड़ी गई थी, जहाँ पे महाराणा सांगा ने 1518 में इसे हरा दिया था, ठीक है, और विजय स्तंभ भी बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। खैर, द मिडिवल सुल्तान हु हैज़ द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सल्तनत पीरियड वाज सिकंदर लोदी। आगरा को जो है इसको सिटी को फाउंड किया और इसको कैपिटल बना दिया, ठीक है, ये था सिकंदर लोदी। द रूलर हु कंपोज्ड पोएम्स विद द पेन नेम गुलरुखी के नाम से जो है पोएम कंपोज करने वाला जो सल्तनत सुल्तान था ये था सिकंदर लोदी अगेन। द सुल्तान हु इज़ नोन फॉर हैविंग एबोलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स वॉज अगेन सिकंदर लोदी द सुल्तान हु इज़ नोन फॉर हैविंग एबोलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स वॉज सिकंदर लोदी। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज रूलिंग ओवर दिल्ली, तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है, फिर उसके बाद स्लेवों के बाद खिलजियों की डायनेस्टी आई, स्लेव ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया, ठीक है, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर 1451 में फिर तुगलक डायनेस्टी 1451 तक चलती रही, 1451 में आ गई थी सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद आखिरी जो डायनेस्टी आई ये लोधी डायनेस्टी थी। तो स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये सीक्वेंस, और सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है तो याद रखेंगे। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बलबन, इल्तुतमिस, कुतुबुद्दीन, ऐबक, इब्राहिम लोदी हु वॉज नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी से हम जानते थे कि इब्राहिम लोदी नहीं था, ये लोदी डायनेस्टी से था, ठीक है, बाकी सब स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिस ने शासन किया, फिर रजिया सुल्तान का टाइम आया, फिर बलबन आया, तो इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी डायनेस्टी को बिलोंग करता था। सल्तनत पीरियड हो गया कंप्लीट, अब देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के पॉइंटर्स। सो द विजयनगर किंगडम जो था इट वाज फाउंडेड बाय विजयनगर एम्पायर, हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने फाउंड किया था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर किंगडम कह लो, एम्पायर कह लो, एक ही बात है, इसको दो व्यक्तियों ने मिल के इसको फाउंड किया था जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। द रूलर हु फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू द रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज एजेंट ऑफ अ डायटी टू होम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वॉज सपोज टू बिलोंग। तो देखो, ये अपने आप को क्लेम करता था कि मैं जो है एजेंट हूँ भगवान का, और कृष्णा नदी के जो है साउथ में जो लैंड है उस पर रूल करने का मेरे पास पावर है। नई सिटी भी बनवाई इसने, हरिहर वन, ठीक है, विजयनगर एम्पायर का फाउंडर भी था ये। द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेडिशंस ऑफ हर हस्बैंड इन हर बुक मधुरा विजयम वाज गंगा देवी, ठीक है, द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम वाज गंगा देवी। द भोरम देव टेम्पल, द भोरम देव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, तो ये भोरम देव टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया था श्री लक्ष्मण देव राय ने, जो ये भोरम देव टेम्पल है ये कंस्ट्रक्ट किया था श्री लक्ष्मण देव राय ने। द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम ब्राह्मिन्स वॉज, द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम ब्राह्मिन्स वॉज, आंसर होगा हरिहर टू इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखना है, पहला स्टेटमेंट है नरसिम्ह सलुआ इंडेड द संगम डायनेस्टी एंड सीज्ड थ्रोन फ्रॉम फॉर हर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सलुआ डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। वीर नरसिम्हा डीपोज्ड द स्लेव लास्ट सलुआ रूलर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, ये भी सही है। वीर नरसिम्हा वॉज सक्सेसफुल बाई हिज यंगर ब्रदर सक्सीडेड बाई यंगर ब्रदर कृष्णदेव राया, ये भी सही है। और कृष्णदेव राया वॉज सक्सीडेड बाई हिज हाफ ब्रदर
अच्युत राया। तो ये कुछ सारे स्टेटमेंट सही है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फाउट द बैटल ऑफ गोलकोंडा, किसके साथ लड़ाई हुई थी? कृष्णदेव राय जो थे ये पूरे विजयनगर एम्पायर में सबसे महान, सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय फॉर द बैटल ऑफ गोलकोंडा, किसके साथ लड़ाई हुई? कुली कुतुब शाह के साथ ये लड़ाई हुई थी, कुली कुतुब शाह के साथ ये लड़ाई हुई थी। द अष्ट दिग्गज या फिर एट तेलुगु पोएट जो थे इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय वेयर बेसिकली एट तेलुगु पोएट्स, अष्ट दिग्गज जो थे ये कुछ नहीं थे, आठ जो थे तेलुगु पोएट थे और काफ़ी महान तेलुगु पोएट थे ये आठों। द रूलर हु इज़ नोन एज आंध्र भोज, आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को ही जाना जाता है, आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है, आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जो है संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है, जो पीरियड था जिस पीरियड में कृष्णदेव राय ने शासन किया उसको जो है गोल्डन एज कहा जाता है तेलुगु लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। द कृष्णदेव राय फाउंडेड द कैपिटल सिटी, द सिटी दैट इज कृष्णदेव राय ने एक सिटी फाउंड करी थी जिस सिटी का नाम है नगलापुरा, नगलपुरा। द फेमस हजारा रामा टेम्पल ऑफ विजयनगर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो काफ़ी फेमस ये टेम्पल है हजार रामा टेम्पल इसको बोलते हैं, विजयनगर में ये जो है बना था, ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अब्दुल रजाक समरकंदी जो था ये एक अफगानी था, ये आया था विजयनगर एम्पायर में ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक समरकंदी एक हिस्टोरियन, एक ट्रैवलर था, ये आया था, अब्दुल रजाक समरकंदी आया था। सो अब्दुल रजाक वाज पर्सियन ट्रैवलर था, ये पर्सियन ट्रैवलर था। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर में इटली का निकोलो कॉन्टी भी आया था, निकोलो कॉन्टी जो था एक इटालियन ट्रैवलर था जिसने विजयनगर एम्पायर के बारे में जिक्र किया अपने ट्रैवलॉग में। तो ही वॉज एन इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर, ही वॉज एन इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर को विजिट किया इसने। अगला है आउट ऑफ द गिवन नेम्स जैसे कि कम्बान, कुट्टान, नयाना, टिकाना, हु वॉज वेयर द फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन। तो नयाना एंड टिकाना जो था तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी फेमस हुए। सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वॉज पैटर्नाइज्ड बाई, सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वॉज पैटर्नाइज्ड बाई विजयनगर रूलर्स के द्वारा इसको पैटर्नाइज किया गया था। द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565, वेरी फेमस बैटल हुआ था, एक काफ़ी फेमस बैटल था जिसे बैटल ऑफ तालीकोटा कहते हैं। इसके बाद विजयनगर एम्पायर जो है टूट गया था, बैटल ऑफ तालीकोटा ये हुआ था 1565 में। द बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट बिटवीन, ये विजयनगर एंड कम्बाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य और दूसरा तक जो था वो था कम्बाइंड फोर्सेज थे उसमें बीजापुर के, अहमदनगर के और गोलकोंडा के। ये बस लैंड के लिए लड़ाई हो रही थी कि ये लैंड हमारा है, ये लैंड हमारा है, ठीक है, जो रायचूर का दुआब था उसके लिए लड़ाई हो रही थी। वेन राजा वोदयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, वोदयार डायनेस्टी की बात हो रही है, वेन राजा वोदयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज, उस समय विजयनगर एम्पायर का किंग था वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज लैंड रेवेन्यू, कैसे पैसा आता था, तो लैंड रेवेन्यू से पैसा आता था। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर द करेक्ट स्टेटमेंट आर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, कैसी है क्वालिटी उस पर डिपेंड करता था। प्राइवेट ऑनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्स ऑल्सो, तो ये दोनों सही है। द प्लेस विच रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज हम्पी, द प्लेस विच रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज हम्पी, आंसर होगा हम्पी। करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करना है।
सो कृष्ण देव राया ऑफ विजयनगर एम्पायर रोट द ट्रीटाइज अमुक्ता माल्यदा, ठीक है, द कृष्ण देव राया रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रोट द ट्रीटाइज अमुक्त माल्यदा एंड कृष्ण देव राय इज ऑल्सो नोन बाई द नेम ऑफ आंध्रा भोज के भी नाम से जाना जाता है, आंध्रा भोज के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अलासानी, अलासानी पेदना, अलासानी पेदना वॉज वन ऑफ द अष्ट दिग्गज ऑफ कृष्ण देव राय कोर्ट एंड वॉज फेमस पोएट ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ विजयनगर हु हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्पायर ऑफ चाइना, ऐसा सम्राट बताना है, रूलर बताना है जो कि विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता था और इसने जो है अपना एम्बेसडर भेजा था चाइना के एम्पायर के दरबार में, तो ये था बुक्कावन, बुक्कावन द फेमस तेलुगु पोएट जिसका नाम था श्रीनाथ, द फेमस तेलुगु पोएट जिसका नाम था श्रीनाथ वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ देवराय द्वितीय, द फेमस तेलुगु पोएट जिसका नाम था श्रीनाथ वॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के कोर्ट से ये बिलोंग करता था। द साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन विच फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर इज, साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन बताना है जो कि फर्स्ट डेवलप हुआ था इन द टाइम ऑफ विजयनगर इज, आंसर होगा यक्षगान, यक्षगान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग कल्याण मंडपास, बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, बिल्डिंग कल्याण मंडपास वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, आंसर होगा विजयनगर एम्पायर। द फेमस विजया विठल टेम्पल, द फेमस विजया विठल टेम्पल विच इज हैविंग 56 कार्व्ड पिलर्स इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये विजय विठल टेम्पल जो है हम्पी में लोकेटेड है। मैसूर किंगडम इमर्ज एज पावरफुल स्टेट अंडर द वोदयार डायनेस्टी, ठीक है, मैसूर किंगडम इमर्ज एज द पावरफुल स्टेट अंडर द वोदयार डायनेस्टी, वोदयार डायनेस्टी विच इनिशियली सर्व्ड द वसाल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, इनिशियली ये वसाल हुआ करते थे, विजयनगर एम्पायर के ही पार्ट थे। तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर फरनाओ नुनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट्स इन वॉट, देवर एक्सपर्ट्स इन रेसलिंग, देवर ऑल्सो एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, देवर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग्स एंड देवर वेरी एक्सपर्ट इन सूथ सेइंग ऑल्सो। दिल्ली सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था उसके बारे में कुछ जीएस पॉइंटर्स देखेंगे, ठीक है, सल्तनत पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स देखेंगे। पहला पॉइंटर है द हिस्टोरियन बिरूनी refused to consider the state in India under Delhi Sultans as truly Islamic because, बरूनी ने क्यों refuse किया था कि भैया जो area था, तो जो state था India का Delhi Sultans के अंडर, वो truly Islamic नहीं था, क्यों इसने जो है कहा था ये, because the majority population did not follow the Islam, अभी भी जो है majority population जो है Islam follow नहीं करती थी, most of the rulers That is Amirs and Sultans of Sultanate period belong to Turkish class. Most of the rulers, that is Amirs and Sultans of Sultanate period belong to the Turkish class. The correct statement with respect to Delhi Sultanate are, correct statement बताना है Delhi Sultanate से related, तो सही statement है in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. The Ikta system of Sultans of Delhi was an Arab's fundamental system. बिल्कुल सही है, अरबों का ये fundamental system था। Ikta system को जो था launch किया था इन भारत में किस सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने। ये basically concept था, fundamental system था Arabs का। In Sultanate period, the Department of Diwan-e-Arz dealt with the military department. ठीक है, ये Diwan-e-Arz तो जो था military department हुआ करता था। ठीक है, Diwan-e-Arz। अगला सवाल है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकता सिस्टम वेयर, क्या था कैरेक्टरिस्टिक इकता सिस्टम का, तो इकता सिस्टम वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, क्या था इकता सिस्टम, इकता सिस्टम जो था एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था एंड सियस्तनामा वाज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकता सिस्टम, सियस्तनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकता सिस्टम।
मुक्ति मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता। अब एक तरफ है डिपार्टमेंट और उसको किसने जो है इस्टेब्लिश किया, तो दीवाने बंदागन हमने देखा था कि स्लेवों से रिलेटेड एक अलग ही डिपार्टमेंट बनवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और दीवाने अर्ज जो है बलबन ने बनवाया था, ठीक है, ये एक मिलिट्री का डिपार्टमेंट था, सेपरेट डिपार्टमेंट। दीवाने मुस्तखराज ये है रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, ठीक है, दीवाने मुस्तखराज एक जो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जिसे बनवाया था अलग से अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर को ही जो था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेपरेटली बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात अगेन फिरोज शाह तुगलक ने, एक चैरिटी के लिए दान के लिए बनवाया गया था। दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी ने, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट एक अलग से बनवाया था दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मार्केट कंट्रोल के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट, अगेन डिपार्टमेंट और उससे रिलेटेड वर्क। तो दीवाने अर्ज जो है बलबन ने बनवाया था, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, मिलिट्री एक्टिविटी को डील करता था। दीवाने रिसालत ये हम जानते हैं कि रिलीजियस इशूज़ को डील करता था, फॉरेन मैटर्स को डील करता था। दीवाने इंसा ये डील करता था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड मैटर्स को। दीवाने विजारत ये डील करता था फाइनेंशियल मैटर्स को। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। सो द डायनेस्टी विच सॉ द हेडे ऑफ विजारत, द डायनेस्टी विच सॉ द हेडे ऑफ विजारत आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। द टैक्सेस लेवीड ऑन द लैंड प्रोड्यूस वेयर कॉल्ड खराज या फिर उसर एंड मुक्ताई भी इसको बोला जाता था। लैंड पे जो है टैक्स जो लिया जाता था उसे खराज या फिर उसर या फिर मुक्ताई भी कहा जाता था। द मिडिवल किंग ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, द मिडिवल किंग ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम वॉज इल्तुतमिश, द मिडिवल किंग ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम वॉज इल्तुतमिश। सुप्रीम रूलर सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वॉज सुप्रीम रूरल ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वॉज चौधरी, चौधरी कहा जाता था जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, ठीक है। सर्व वॉज ए टैक्स लेवीड ऑन, सर्व जो था ये इरीगेशन टैक्स था जो कि खासकर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जवाबिट्स वेर कंसर्न्ड विथ स्टेट लॉ। हदीस क्या था, हदीस जो था ये इस्लामिक लॉ को बोला जाता था हदीस। फवाजिल इज सल्तनत पीरियड में, इसका मतलब क्या होता है, फवाजिल का जो मतलब होता है वो एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तादार, इसे फाजिल या फिर फवाजिल कहा जाता है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तादार वॉज कॉल्ड फवाजिल। द टू मेन करेंसीज ऑफ सल्तनत पीरियड आर, वो दो मेन करेंसी बतानी है जो सल्तनत पीरियड में मेन करेंसी हुआ करती थी, ये थी जीतल और टंका, ठीक है। जीतल कहा जाता था कॉपर के क्वाइंस को, ठीक है, और टंका कहा जाता था सिल्वर के क्वाइंस को। जीतल और टंका सिल्वर क्वाइन हुआ था, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश, टंका जो था सिल्वर क्वाइन था इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वाइंस टंका सासगानी एंड जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वेयर मेड अप ऑफ रेस्पेक्टिव मेटल्स, तो टंका और जो ससगानी था ये दोनों सिल्वर का था और जीतल जो था कॉपर का क्वाइन हुआ करता था। द नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, द नेम ऑफ लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द क्वाइंस ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, ठीक है, जो कि काफ़ी अगेन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ पेपर वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया, कब स्टार्ट हुआ था पेपर का जो है स्टार्ट जो यूज होना शुरू हुआ था वो 12वीं सेंचुरी में यूज होना शुरू हुआ था, और उस समय पेपर बनाना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल से बार्क को छील छाल के सुखा के कैसे कैसे बनाया जाता था। तो पेपर जो है इनिशिएट हुआ, उसका यूज जो है 12वीं सेंचुरी में हुआ था। अलाई दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाई, अलाई दरवाज़ा बनवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है,
किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये जो है आर्किटेक्चर, आप हॉर्स के शूज़ का आर्किटेक्चर देखोगे, ये आपको अलाई दरवाज़ा में मिलेगा आर्किटेक्चर में, हॉर्स शू शेप का है, जहाँ पे आर्क बनाया गया, जो ऐसे होता है ना आर्क, आर्क जो ऐसे होता है, ये हॉर्स शू, ये घोड़े का शू के जैसा है ना, ऐसा सिस्टम जो है बनाया गया फर्स्ट टाइम अलाई दरवाज़ा में देखा गया। द सुल्तान हु बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, तो देखिए कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको फिनिश करवाया, उसको फिनिश करवाया इल्तुतमिश ने, और उसमें फर्दर एडिशन करवाया था, फिफ्थ स्टोरी बनवाया था उसमें कुतुब मीनार में फिरोज शाह तुगलक ने। द इंडियाज़ फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज, इंडियाज़ फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज, आंसर होगा बलबन का टॉम, ठीक है, बलबन्स टॉम, इंडियाज़ फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज बलबन्स टॉम। द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, द फर्स्ट ट्रू आर्क, जो आर्क की बात हो रही है, तो ये पहला सच्ची आर्क जो है टॉम ऑफ बलबन में ही देखने को मिलता है। आउट ऑफ द गिवन नेमली रूलर्स की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो हम जानते हैं कि स्टार्ट तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसमें पांचवा स्टोरी बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी उसमें हाथ नहीं है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, सबसे पहले कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ था, बन गया था, फिर तुगलकाबाद सिटी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, लोदी गार्डन्स बना उसके बाद, और फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी जो है आगरा से आप 50 किलोमीटर के आसपास और जाओगे तो मिलेगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग और बिल्डर्स, सुल्तानगढ़ी बिल्डिंग जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, रेड पैलेस ये बलबन ने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद ये खिजर खान ने बनवाया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था इसने। द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभा, द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभा प्रशस्त वाज अत्री एंड महेश, द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभा प्रशस्त वाज अत्री एंड महेश, कीर्ति स्तंभा ऑफ चित्तौर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौर का ये किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो उस समय गद्दी पे बैठे थे राणा कुंभा साहब। साइट और उसके आर्किटेक्चर, कहाँ पे आर्किटेक्चर है वो, तो कौवत अल इस्लाम जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही आपको मिलेगा, ये दिल्ली में है। फिर आता है अताला मस्जिद जो है ये जौनपुर में है, मालवा में आपको देखने को मिलेगा जहाज महल, और जामा मस्जिद आपको गुलबर्गा कश्मीर में देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद। अब आता है आर्किटेक्चर स्टाइल और एसोसिएटेड डायनेस्टी, तो लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ आर्क, ये स्टाइल जो था ये खिलजियों का था, लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये स्टाइल को एम्ब्रेस करवाया था खिलजियों ने। इमर्जेंस ऑफ ऑक्टागोनल, मतलब कि आठ शेप का टॉम जो है ये जो है ये तुगलकों की देन है, इमर्जेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम, यूज ऑफ बोदे गोई इन द पिलर, यूज ऑफ बोदे गोई इन द पिलर, ये विजयनगर एम्पायर के राजाओं का मैसिव एंट्रेंस गेट विथ इंक्लाइंड वॉल्स, ये सरकियों की देन थी, मैसिव एंट्रेंस काफ़ी बड़ा गेट बनाते थे विथ इंक्लाइंड वॉल्स, ये देन थी सरकी शासकों की, सरकी शासकों की। अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर को, दिल्ली सल्तनत पीरियड के लिटरेचर को देख लेते हैं। द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो है ये अल बरूनी ने लिखी थी, काफ़ी फेमस ये एक बुक हुई, और ये बुक लिखने के लिए इसने जो है संस्कृत लैंग्वेज पहले सीखा, ताकि जो है वेदों को समझ सके, भारत के लिटरेचर को समझ सके। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत में। आमिर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे, आमिर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न, ये कहाँ पे इसकी जन्म हुई थी, तो इसकी जन्म जो है एटा, एटा में जन्म हुई थी इसकी,
पटियाली इन द डिस्ट्रिक्ट एटा नाउ इन कासगंज। अमीर खुसरो प्लेड ए पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है जो कि बाद में हिंदी के तौर पे हो गई, ठीक है, खड़ी बोली का जो है ये पायनियर माना जाता है। द पर्सन हु विटनेस द रेन ऑफ सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली। द पर्सन हु विटनेस द रेन ऑफ सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली ये अमीर खुसरो था। एंड शेख निजामुद्दीन औलिया ने भी ये सात शासकों का जो है दौर देखा, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। द फेमस पोइट अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, ये देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद के भी यानी कि स्लेव डायनेस्टी के इस राजा के दरबार में रहे, बलबन के भी दरबार में थे, कैकुबाद के दरबार में, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, मुबारक शाह के भी दरबार में थे, यासुद्दीन तुगलक के भी दरबार में थे और मोहम्मद बिन तुगलक के भी दरबार में ये रहे। तो सात इन्होंने जो है शासकों का जो है दरबार देखा है। अमीर खुसरो वाज अ पोएट हिस्टोरियन एंड म्यूजिशियन ऑल थ्री। अमीर खुसरो एक पोएट भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे और एक म्यूजिशियन भी थे। अमीर खुसरो एक पोएट भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे और एक म्यूजिशियन भी थे अमीर खुसरो। द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सबक ए हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल। द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सबक ए हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल वाज, ये फादर थे अमीर खुसरो साहब। द स्कॉलर ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन वाज अमीर खुसरो अगेन। इनको हिंदी और पर्शियन में दोनों में इनकी जानकारी थी और ये पोएट जो थे ये पर्शियन में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, किताब-ए-नौरस ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डायटीज एंड मुस्लिम सेंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द एन अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। जो कव्वाली आज की डेट में भी चलता है ना, वो अमीर खुसरो साहब की ही देन है कव्वाली। द ऑथर ऑफ तबकाते नसीरी, वेरी फेमस फॉर द मिडिवल हिस्ट्री के जो है कंस्ट्रक्शन के लिए। इस ऑथर का नाम है मिनहाज उस सिराज, तबकाते नसीरी। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेशन ऑफ बिहार इज इन तबकाते नसीरी में ही मेंशन किया गया है कि जब बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी आक्रमण किया भारत में बिहार पे और वहाँ पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतराय यूनिवर्सिटी को काफ़ी तहस नहस किया इसने, ये जो है चीज़ें मेंशन करी गई हैं तबकाते नसीरी, जो कि रचना है मिनहास उज उस सिराज की। द फर्स्ट पर्शियन पोएट डिपिक्टेड इंडियन इन्वायरमेंट इन द पोएट्री। द फर्स्ट पर्शियन पोएट डिपिक्टेड इंडियन इन्वायरमेंट इन द पोएट्री, आंसर होगा इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो किताब अल हिंद जो है ये किसने लिखी थी, अल बरूनी ने, फिर पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, तबकाते नसीरी, मिनहाज उस सिराज ने, फतवाहे जहांगीरी, ये इस जो है करेक्ट जो है क्रोनोलॉजिकल, सबसे पहले किताब अल हिंद एंड देन सो ऑन। द लैंग्वेज विच वाज पैट्रोनाइज बाई सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज, पर्सियन लैंग्वेज को ये यूज़ करते थे, पैट्रोनाइज करके रखा गया था, पर्सियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। द लैंग्वेज विच वाज पैट्रोनाइज बाई सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज पर्सियन। द टर्म अपभ्रंशा, अपभ्रंशा विच वाज यूज इन द मिडिबल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट। अपभ्रंशा जो था ये अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का अर्ली फॉर्म था अपभ्रंशा। द राइटर ऑफ खजैन उल फुतुह इज अमीर खुसरो। द राइटर ऑफ फजैन उल फुतुह इज अमीर खुसरो। एक तरफ है राइटर, दूसरी तरफ है उनके वर्क्स या फिर बुक्स। तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था तारीख़ फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा तारीख़ फिरोजशाही। हसन निजामी ने लिखा ताज उल मसीर। मिनहास उज सिराज की रचना है तबकाते नसीरी। यहिया बिन अहमद ने लिखा तारीख़ मुबारक शाही एंड जियाउद्दीन बरनी ने लिखा फतवाहे जहानदारी। अगेन बुक्स है, उसके ऑथर्स हैं तारीख़ फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीफ ने लिखा, तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा, हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम ने। अगेन बुक्स और
ऑथर का है जिक्र यहाँ पे, तारीख़ हिंद, किताब अल हिंद जो है अल बरूनी की रचना है, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तारीख़ हिंद खुसरो की रचना है, रिहाला इब्न बतूता की है। तबकाते नसीरी है मिनहाज उस सिराज की। राइटर और उनके वर्क्स अगेन, तो हकैक ए हिंदी अब्दुल वहीद बिलग्रामी की है रचना। एंड फिर आता है तंधीबुल अखलाक, ये इब्न मिसका वाह की है ये रचना। कुंजल तिजार, ये बैलाक अल कबयाकी की रचना है। एंड जुआमियुल हबियत हिकायत, ये सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी की रचना है। आउट ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेमली वीना ढोलक सारंगी एंड सितार, विच इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये है सितार। राइटर्स और वर्क्स बताना है आपको, मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदयान। दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ ने लिखा राग विबोधा। आमिर खुसरो की रचना है आसिक। द ट्रांसलेशन ऑफ चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट, सुका सप्ताई इन पर्शियन विथ द नेम तुती नामा वॉज डन बाई ख्वाजा जियाउद्दीन नखसबी। नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो कहता है कि तबला वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तबला जो है पहली बार कव्वाली में ज़्यादा यूज होता था और इसको इंट्रोड्यूस कराया था आमिर खुसरो साहब ने, ठीक है। तबला जो है इंट्रोड्यूस कराया था आमिर खुसरो ने। आउट ऑफ द गिवन दिल्ली सुल्तान नेमली इल्तुतमिस बलबन अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक, हु रोट हिज मेमोरीज, अपनी खुद की मेमोरीज फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। इन सभी में देखा जाए तो बलबन की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इल्तुतमिस की बात करें, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तो खुद की मेमोरी लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। एक तरफ है नेम, दूसरी तरफ है उसके टेक्स्ट या फिर म्यूजिक से रिलेटेड। तो राणा कुंभा ने संगीत राज जो है म्यूजिक का कंपोजिशन कराया था। पुंडरीक विठाला ने राग माला। उस्ताद चांद खान ने ख्याल गया की का दिली घराना जो है इनका देन है। पंडित भाव भट्ट ने अनुप संगीत रत्नाकर की रचना कराई थी। इसके अलावा बात करें अगर काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी की, तो ये राग चंद्रिका के रचयिता हैं। कृष्णानंद व्यास जो हैं राग कल्पद्रम के हैं। नंददास जो हैं रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। वृंदावन दास जो हैं चैतन्य भागवत के रचयिता हैं। और जयानंद जो हैं ये चैतन्य मंगल के रचयिता हैं। नरहरि चक्रवर्ती ये भक्ति रत्नाकर के रचयिता हैं। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, जो पोलो है जिसे चौगन भी कहते हैं, ये गेम को इंट्रोड्यूस करा था तुर्कों ने। और ख़ासकर मैं बताऊँ तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु भी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के हो गई थी। उलेमा वेयर कॉल्ड, उलेमा जो है दस्तर बंदा को भी कहा जाता था, इनका दूसरा नाम दस्तर बंदा हुआ करता था। रिलीजियस अफेयर्स के ये हेड हुआ करते थे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री एमंग अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, पर्सियन कैलीग्राफिस्ट सैयद्स, कुला दरन वेयर देवर सैयद्स। करेक्टली मैच आपको बताना है, एक तरफ है ट्रैवलर, दूसरी तरफ है किस कंट्री से वो आए थे। तो मार्को पोलो आया था इटली से। मार्को पोलो कहाँ से आया था दोस्तों? मार्को पोलो इटली का निवासी था और एक ट्रैवलर था, इंडिया में आया था ये मार्को पोलो। अब्दुल रजाक समरकंदी जो है ये ईरान से आया था। विजयनगर एम्पायर के बारे में ये अपने ट्रैवलॉग में लिखता है। नूनीज पुर्तगीज था, ये अगेन जो है विजयनगर एम्पायर में ही आया था। एक तरफ है सुल्तान, दूसरी तरफ स्टेट रिलेटेड। बहादुर शाह जो है गुजरात का उस समय सुल्तान था। चांद बीबी बीजापुर को लीड कर रहा था उस समय। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली जो है महिला सुल्ताना थी। बाज बहादुर मालवा को रूल कर रहा था। नेक्स्ट द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रैवलर्स इन इंडिया, तो सबसे पहले अल बरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के समय में एंड 11वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता आया था
यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, रिहाला लिखा इसने, और इसने लिखा था किताबल हिंद। फिर आता है ट्रेवेनियर, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा जो है राइटर था। फिर आता है ये फ्रांस का था ट्रेवेनियर। फिर मनुकी आया था। इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्ड टू, फनम का मतलब होता था क्वाइंस। मिडिवल इंडिया की बात करें तो फनम जो होता था वो क्वाइंस को बोला जाता था। फनम जो होता था वो क्वाइंस को बोला जाता था मिडिवल इंडिया में। क्वाइंस का मतलब होता था फनम। अगला है द करेक्टली मैच पेयर्स आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक, ये इसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नहरों का कंस्ट्रक्शन करवाया था और नहरों पे टैक्स भी इसने लगवाया था। बलबन जो है नवरोज फेस्टिवल, जो कि पर्शियन फेस्टिवल हुआ करता था, इसको स्टार्ट किया था इसने इंडिया में। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत करके एक प्राइस कंट्रोल के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बना दिया था। जहांगीर मार्केट के लिए था ये। जहांगीर जो था ये इसके समय में सर थॉमस रो आया था, ब्रिटिश एक व्यापारी था, दूत था कह सकते हैं, ये इसके दरबार में आया था ताकि परमिशन ले सके यहाँ पे कंपनी लगाने की। द सुल्तान हु डिमांडेड हाफ द क्रॉप ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू, तो बिल्कुल एक ड्रैकोनियन शिफ्ट किया कि भैया अब जो भी लैंड का प्रोड्यूस होगा उसका आधा जो है मैं ले लूँगा, ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स हु रूल्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, तो रजिया सुल्तान का जो पीरियड था, ये पहली महिला सुल्ताना बनी थी, 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया, ठीक है, 1296 से 1316 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है किंग था, सुल्तान था ये खिलजियों का, शेर शाह सूरी, ये सूर डायनेस्टी का फाउंडर। पूरे भारत में सूर डायनेस्टी फैल गई थी इसके समय में। हुमायूं से लड़के ये जीत गया था। 1540 से 1545 तक शासन किया अकबर। सूर डायनेस्टी के हटने के बाद हुमायूं फिर से आया और उसका बेटा अकबर जो है रूल किया 1556 से 1605 एडी तक। द इवेंट्स एंड देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मैच करना है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो था ये सबसे पहले हुआ था क्रोनोलॉजिकली। मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद हुआ। फिर हुआ अफगान कनकर, अफगानपुर कॉन्फ्रेंसी हुआ। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाई मोहम्मद तुगलक, तुगलक ने दिल्ली से दौलता अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। एक तरफ है देख सकते हैं आप, मैच करना है कौन से जगह पे कौन से राजपूत शासक हुआ करते थे, शासक कौन से हुआ करते थे, तो रणथंभौर में हमीर देव शासक थे, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्क्वेस्ट चल रहा था उस समय की बात कर रहे हैं, चित्तौड़ का शासक थे राणा रतन सिंह। देवगिरी जो कि साउथ में पड़ता है, यहाँ पे शासक थे राजा रामचंद्रा। गुजरात के शासक थे करण देव। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीज वॉज बाई, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीज वॉज बाई सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी, ठीक है। कंपास का यूज जो अर्लीस्ट यूज किया था इंडियन सी में, वो सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी ने किया था। ये बड़ा सा स्टेटमेंट है देख सकते हैं आप। इन द कोर्स ऑफ कैरियर ऑन द रोड स्पैनिंग एलाम ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, ही क्रॉस द ब्रेथ ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, विजिटेड टेरिटरीज इक्विवेलेंट टू अबाउट 44 मॉडर्न कंट्रीज, एंड पुट बिहाइंड हिम ए टोटल डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 73,000 माइल्स इसने ट्रेवल किया। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ प्री मॉडर्न टाइम्स टू हुम द गिवन पैसेज रिफर्स टू इज इब्न बतूता। ये मोरक्को से घूमता घूमता भारत तक आ गया था। 73,000 माइल्स की इसने यात्रा करी, 44 मॉडर्न डे की कंट्रीज का जितना एरिया हो सकता है उतना कवर किया इसने। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बताना है आपको, तो सबसे पहले हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, इल्तुतमिश ने फिनिश कराया। 5वीं मंजिल जो है उस पर वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता है डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। फिर होता है अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया 1498, वास्को द गामा, रेन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, ठीक है, 16वीं शताब्दी। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह एंड इस्लाम शाह, हु डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500, तो ये इस्लाम शाह ने किया था। अब देखिए राइटर्स और उनके वर्क, तो
तो एक बहुत फेमस राइटिंग है तेलुगु में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अमुक्त माल्यदा, ये कृष्णदेव राय ने लिखा था, तेलुगु में नहीं कन्नड़ा में है, आई थिंक कन्नड़ा में। कहते हैं महेंद्र वर्मन मतविक मतविलास प्रहसना इन्होंने रचना करी, भोज देवा इन्होंने समरंग नास्त्रुधर की रचना करी, सोमेश्वरा ने मनसोलसा की रचना करी। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन प्रैक्टिसेस, नेमली सती प्रैक्टिस की बात करें, चाइल्ड प्रैक्टिस की, चाइल्ड मैरिज की बात करें, जौहर प्रैक्टिस जो कि महिलाएं करती थी, विच वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। तो जौहर प्रैक्टिस जो है महिलाओं ने करा था, राणा रतन सिंह का नाम सुना होगा, पद्मावत मूवी देखी होगी, तो राणा रतन सिंह और जब सेना हार जाती है, मतलब ट्रीचरसली उसको मर्डर कर दिया जाता है, तब जो है महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो सभी जौहर कर लेती हैं, मतलब कि अपने आप को आग में ढकेल देती हैं। इन द इन प्री मिडिवल किंगडम्स ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन नैमितिका वॉज यूज फॉर, इन प्री मिडिवल किंगडम्स ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन नैमितिका वॉज यूज फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर, वॉज यूज फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर। इन प्री मिडिवल किंगडम्स ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन नैमितिका वॉज यूज फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर। द मिडिवल स्कॉलर राइटर हु बिलोंग टू जैन रिलीजन, द मिडिवल स्कॉलर और राइटर हु बिलोंग टू जैन रिलीजन वॉज हेमचंद्र सूरी। अकबर ने जो है इनको सम्मानित भी किया था। द मिडिवल स्कॉलर राइटर हु बिलोंग टू जैन रिलीजन वॉज हेमचंद्र सूरी। एक तरफ है वार, दूसरी तरफ उसका कब ये वार हुआ था, ईयर। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ कलिंग जो था ये अशोक ने लड़ा था, ठीक है, 261 बीसी में, काफ़ी ब्लडशेड वहाँ पे हुआ था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई थी, और बैटल ऑफ तराइन द्वितीय 1192 में ये लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई थी। बुक्स और राइटर्स के बारे में बात करेंगे, हकीक ए हिंदी, हकीक एक हिंदी के राइटर हैं, अब्दुल वहीद बिलग्रामी, ठीक है, हकीक ए हिंदी के राइटर हैं अब्दुल वहीद बिलग्रामी। तहदीबुल अखलाक के राइटर हैं इब्न मिसक्वाह। कुंजल तिजार का राइटर है बैलाल अल कबियास्की। जवायुमूल हिकायत के राइटर है मोहम्मद ऑफी। अब देखते हैं रूलर और इम्पॉर्टेंट उनके वर्क्स को मैच करते हैं। अकबर का इम्पॉर्टेंट वर्क है आईने दहसला। मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी इशू किया था जो कि फेल हो गया था। इल्तुतमिस चहलगानी नोबल्स का जो है फॉर्म जो है इसने जो है नोबल्स को जो है रिकॉग्नाइज किया था, चहलगानी नोबल्स को, जो बाद में सुल्तान के लिए बवासीर बन गए थे। शेर शाह ने सड़क आजम यानी कि जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी AD द इंडियन पीजेंट्स डिड नॉट कल्टिवेट व्हाट, ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी AD द इंडियन पीजेंट्स डिड नॉट कल्टिवेट मेज, ये मेज जो है कल्टिवेट नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात करें तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वेयर वर्शिप्ड इन रॉयल पैलेसेस ऑफ व्हाट, ड्यूरिंग द विच सुल्तान हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को रॉयल पैलेस में पूजा जाता था, ये था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, काफ़ी सहिष्णु था ये। करेक्ट स्टेटमेंट्स देखना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिस दैट द चंगीज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारेज्म प्रिंस, जो कि भारत आके वो शरण लेना चाहता था इल्तुतमिस के पास, लेकिन इल्तुतमिस को पता चल गया कि भैया ये तो मंगोलों का टारगेट है, अगर अपने पास रखा तो हम भी टारगेट बन जाएंगे मंगोलों का, तो उसने मना कर दिया था और अपने आप को जो है बचाया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस। प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस की बात करेंगे। पहला पॉइंट है द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ विच सुल्तान। जौनपुर जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में बनाया गया है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर सिटी वॉज इस्टेब्लिश बाई फिरोज शाह तुगलक। इस्टेब्लिश किसने किया था, इस्टेब्लिश किया था
फिरोज शाह तुगलक ने, हिसार भी जौनपुर भी दोनों, तो फिरोज शाह तुगलक ने किसके मेमोरी में, मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में बनवाया था। द प्लेस विच वॉज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ सरकी रूलर्स, द प्लेस विच वॉज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ सरकी रूलर्स वॉज जौनपुर, द प्लेस विच वॉज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ सरकी रूलर्स वॉज जौनपुर, द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट वॉज, लास्ट रूलर जो था जौनपुर स्टेट का वो था हुसैन शाह, लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट वॉज हुसैन शाह, द रूलर ऑफ कश्मीर हु वॉज ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, ऐसा जो रूलर है बताना है आपको, कश्मीर का रूलर है जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, इसका नाम है जैन उल अबिदीन, जैन उल अबिदीन इसका नाम है। द रियल नेम ऑफ जैन उल अबिदीन द रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, इसका ओरिजिनल नाम था शाही खान, द रियल नेम ऑफ जैनुद्दीन अबिदीन द रूलर ऑफ कश्मीर वॉज शाही खान, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली जैनुद्दीन अबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह, हु एबोलिस्ट जीजिया फर्स्ट टाइम, सवाल फिर से सुनिए, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली जैनुल अबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद हुसैन शाह, हु एबोलिस्ट जीजिया फर्स्ट टाइम, आंसर होगा जैनुद्दीन अबिदीन। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाई जैनुद्दीन अबिदीन इंक्लूड वॉट, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाई जैनुद्दीन अबिदीन इंक्लूड तुर्रत, सिमिलैरिटी विथ बुद्धिस्ट पगोड़ास एंड पर्शियन स्टाइल, आउट ऑफ द गिवन स्कॉलर्स नेमली मुनि सुंदर सूरी, नाथा तिल्ला भट्ट एंड मुनि जिन विजय सूरी, हु वॉज नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा, राणा कुंभा के कोर्ट में मुनि जिन विजय सूरी नहीं था, बाकी मुनि सुंदर सूरी थे और नाथ थे और तिल्ला भट्ट भी थे राणा कुंभा के दरबार में। मिडिवल इंडियन स्टेट और उसके प्रेजेंट रीजन आप डिस्कस कर सकते हैं हम, ठीक है, चंपका जो है मिडिवल इंडियन स्टेट हुआ करता था, चंबा हिमाचल प्रदेश का जो प्रेजेंट एरिया है वहाँ पे ये हुआ करता था, दुर्गरा जो है जम्मू को बोलते थे उस समय, कुलूटा ये कल्लू जो है हिमाचल प्रदेश के एरिया को बोलते थे, फिर आता है बहमनी स्टेट जो था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई बहमनी जो स्टेट था, अगेन आपको जो है मुस्लिम स्टेट था ये इस्टेब्लिश किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा, बहमनी स्टेट जो था इस्टेब्लिश करा गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा, द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो ये 1347 में लगभग विजयनगर एम्पायर वाला जो एरिया टाइम था उसी समय बहमनी किंगडम जो है फाउंड किया गया था और इनकी लड़ाई होती रहती थी विजयनगर एम्पायर के साथ। द कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम वॉज, द कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम वॉज गुलबर्गा कश्मीर, ठीक है, कर्नाटका। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान एंड सिकंदर शाह, हु वॉज फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम इन डेक्कन, तो बहमनी किंगडम जो है डेक्कन में जो है बनवाया था हसन गंगू ने, हसन गंगू। मोनूमेंट और उसके बिल्डर्स की बात करेंगे तो अताला देवी मस्जिद जो है, अताला देवी मस्जिद जो है ये इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, छोटा सोना मस्जिद ये वाली मोहम्मद ने बनाया था, कदम रसूल ये नुसरत शाह ने बनवाया था, अदीना मस्जिद पंडुआ ये सिकंदर शाह ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे अगेन डायनेस्टी और रिलेटेड सिटी, आदिल शाही जो है डायनेस्टी ये बीजापुर सिटी को बिलोंग करती थी, कुतुब शाही जो है डायनेस्टी ये गोलकुंडा को बिलोंग करती थी, निजाम शाही अहमदनगर की थी और सरकी शाही जो थी जौनपुर की थी, जौनपुर उत्तर प्रदेश। द पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर वॉट, दे वेयर बेसिकली लैंड मैग्नेटेड जो मिलिट्री रखते थे, लैंड मैग्नेट्स थे, मिलिट्री के साथ रहते थे, बहुत बड़े एक कह सकते जमींदार टाइप के लोग हुआ करते थे और मिलिट्री अपने पास रखते थे, सो दे वर द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री गवर्नर्स ऑल्सो, खुद की मिलिट्री भी रखते थे, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, खुद की मिलिट्री रखते थे। द मुस्लिम रूलर हु वॉज हेल्ड एज जगत गुरु बाई हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म, आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह। द मुस्लिम रूलर हु वॉज हेल्ड एज द जगत गुरु या जगत गुरु बाई हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म वॉज इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही जो कि अहमदनगर की थी साउथ में केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह
वॉज कंसाइंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रूलर और फाउंडर, बाज बहादुर फाउंडर था मालवा का, कुतुब शाह फाउंडर था कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा वाली उसका, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का जो है फाउंडर था, ठीक है गुजरात में फाउंडर था ये गुजरात का, यूसुफ आदिल शाह जो था बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी का ये फाउंडर था रूलर था। अब आता है डायनेस्टी और उसके कैपिटल, काकातीया डायनेस्टी वारंगल इसकी कैपिटल थी, काकातीया डायनेस्टी वारंगल इसकी कैपिटल थी, होयसाला डायनेस्टी इसकी द्वार समुद्र इसकी कैपिटल थी, होयसाला डायनेस्टी द्वार समुद्र, यादवा जो थे यादवा इनकी देवगिरी इनकी कैपिटल थी, पांड्यों की कैपिटल थी कुरकाई एंड उसके बाद जो है मदुरई इनकी कैपिटल बनी थी, काकातीया वालों की वारंगल, होयसालाओं की द्वार समुद्र, यादवों की देवगिरी और पांड्याओं की कुरकाई बाद में मदुरई। अगला है एमंग डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न गंगा होयसला काकातीया वेस्टर्न चालुक्या द डायनेस्टी एसोसिएटेड विथ फीमेल किंग रुदर्मा देवी इज काकातीया डायनेस्टी। एमंग डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न गंगा होयसला काकातीया वेस्टर्न चालुक्या द डायनेस्टी एसोसिएटेड विथ फीमेल किंग रुदर्मा देवी इज काकातीया डायनेस्टी। गोलकुंडा, गोलकुंडा इज कॉल्ड एट प्रेजेंट, हैदराबाद को गोलकुंडा उस समय बोलते थे, ठीक है। होयसला मोनूमेंट्स आर फाउंड इन हलेबिद एंड बेलूर, ठीक है हलेबिद एंड बेलूर। द मॉडर्न नेम ऑफ होयसला वसुरा एंशियंट कैपिटल ऑफ द्वार समुद्रा इज हलेबिद, ठीक है द मॉडर्न नेम ऑफ होयसला वसुरा एंशियंट कैपिटल ऑफ द्वार समुद्रा इज हलेबिद। आउट ऑफ द गिवन मोनूमेंट्स नेमली टॉम्ब ऑफ शेरशाह सासाराम जामा मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ गोलकुंडा बीजापुर वाला गोल गुंबद विच इज़ सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो गोल गुंबद जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, ठीक है बीजापुर में ये लोकेटेड है, ये फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुजरी महल, गुजरी महल वॉज बिल्ट बाई, गुजरी महल बनवाया था मान सिंह ने, राजा मान सिंह ये एक मनसबदार थे अकबर के। बिफोर अकबर तानसेन वॉज पैटर्नाइज बाई, तानसेन एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, ही वॉज पैटर्नाइज बिफोर अकबर बाई द किंग ऑफ भट्टा रीवा एमपी में रामचंद्र सिंह ने इसको पैटर्नाइज कर रखा था, बाद में अकबर को पता चला और अकबर ने इसको पैटर्नाइज कर लिया। अब हम देखेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, भक्ति और सूफी मूवमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखेंगे। द भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, तो भक्ति मूवमेंट दोस्तों स्टार्ट किया था अलवर सेंट्स ने, अलवर और नयानर दो तरीके के सेंट्स थे, अलवर जो थे बेसोनाइट्स थे, नयानर्स जो थे वो सैव सेंट्स थे। तो अलवर और नयानर्स ने बेसिकली उनमें भी अगर पूछा जाए तो अलवरों ने स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया में। शंकराज एंड फिलोसफी, शंकराज फिलोसफी इज कॉल्ड एज शंकराचार्य, शंकराज की जो फिलोसफी थी इसे कहा जाता है नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। द भक्ति कल्चर वॉज रीबॉर्न इन इंडिया ड्यूरिंग, द भक्ति कल्चर वॉज रीबॉर्न इन इंडिया ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी AD। द भक्ति कल्चर रीबॉर्न हुआ, इससे पहले भक्ति कल्चर एक बार और 8वीं शताब्दी के आसपास में स्टार्ट हुआ था, बाद में दोबारा स्टार्ट हुआ 15-16वीं शताब्दी में। द कॉमन बिलीफ ऑफ लाइफ ऑफ बोथ बुद्धा एंड मीराबाई वॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दोनों का जो है कॉमन जो है बिलीफ था। बुद्धा ने तो ये भी कहा था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, देर इज़ अ कॉज ऑफ सॉरो, देर इज़ अ वे टू गेट आउट ऑफ इट एंड द वे इज़ अष्टांग मार्ग, जो है उन्होंने बोला था कि अष्टांग मार्ग फॉलो कर लो ठीक हो जाओगे। लेट नो मैन आस्क अ मैंस सेक्ट और कास्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ रामानंदा, बोला कि कोई बंदा जो है कोई आदमी जो है किसी भी आदमी का उसका रिलीजन सेक्ट या फिर कास्ट ना पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स वॉज दैट दे कंपोज देयर वर्सेज इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई देयर फॉलोअर्स, इसीलिए इनका जो है काफ़ी फेमस भी हुआ ये लोग हुए, क्योंकि ये जो आम भाषा में जो है अपने वर्सेज को तैयार करते थे और आम भाषा में जब वो जाती थी वर्सेज तो लोग उसे समझ जाते थे और उनके मैसेज को समझ पाते थे, इसीलिए फेमस हुए। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेयर नोन टू परस्यू द प्रैक्टिस दैट आर, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेयर नोन टू परस्यू द प्रैक्टिसेस दैट आर मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ठीक है सूफी जो मिस्टिक्स हुआ करते थे मेडिटेट करते थे अपने आप को, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ पे कि सांसें कैसे कंट्रोल करनी है,
सीवियर एसेटिक एक्सरसाइजेस करते थे लोनली प्लेसेस में। इसके अलावा रिसाइटेशन करते थे ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज ए स्टेट ऑफ इक्टेसी इन देयर ऑडियंस। वैष्णविज्म इन कुमार कामरूप सॉरी वैष्णविज्म कामरूप बेसिकली असम को बोला जाता था वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, तो यहाँ पे शंकर देव ने जो है वैष्णविज्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया था कामरूप में। इन असम एंड कूच बिहार वैष्णविज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई शंकर देव, ठीक है। इन असम एंड कूच बिहार जो है वैष्णविज्म जो है इंट्रोड्यूस किया था शंकर देव ने। इन असम एंड कूच बिहार वैष्णविज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई शंकर देव। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। रामानुजाचार्य जो है ये किस फिलोसफी को इम्ब्रेस किए हुए थे, वो था विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैता फेमस मिडिवल सेंट शंकर देव बिलोंग टू वैष्णव कल्ट, ठीक है। फेमस मिडिवल सेंट जो थे शंकर देव ही बिलोंग टू वैष्णव कल्ट। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद वॉज प्रोपाउंडेड बाई वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद जो था ये थ्योरी प्रोपाउंड किया था वल्लभाचार्य ने। द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनका जो है बर्थ प्लेस था चंपरन्या छत्तीसगढ़ में। एक तरफ है फिलॉसफी उसके फाउंडर, दूसरे तरफ है तो अद्वैतवाद की फिलॉसफी जो है अद्वैतवाद की शंकराचार्य ने दी थी। विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी रामानुजाचार्य ने दी थी। द्वैतवाद की जो है फिलॉसफी माधवाचार्य ने दी थी। द्वैत अद्वैत की फिलॉसफी निम्बकाचार्य ने दी थी। और शुद्ध अद्वैत की जो है फिलॉसफी वल्लभाचार्य ने दी थी। द कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट कबीर इज, इसको कंपाइल किया गया है बीजक में, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट कबीर इज बीजक, बीजक में कंपाइल किया गया। अगला है आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली दादू, कबीर, रामानंदा, तुलसीदास, ठीक है तुलसीदास, हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। सवाल फिर से सुनिए, आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली दादू, कबीर, रामानंदा, तुलसीदास, हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दिस मैसेज। आंसर होगा रामानंदा। कबीर वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंदा, ठीक है। कबीर किसके भक्त थे, डिसाइपल थे रामानंदा के, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स बिटवीन कबीर एंड धर्मदास इज टाइटल्ड, ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स बिटवीन कबीर एंड धर्मदास जो डायलॉग हुआ था इसको अमर मूल के नाम से जो है रखा गया है। आउट ऑफ द गिवन सेंट्स ऑफ द मिडिवल एज एग्जाम्पल के तौर पर देखें कुंभदास, रामानंद, रायदास, तुलसीदास, पर्सन हु वॉज बॉर्न इन प्रयाग। आउट ऑफ द गिवन सेंट्स ऑफ मिडिवल एज एग्जाम्पल के तौर पर कुंभदास, रामानंद, रायदास, तुलसीदास, पर्सन हु वॉज बॉर्न इन प्रयाग वॉज, आंसर होगा रामानंदा। मलुकदास वॉज सेंट पोएट ऑफ कड़ा। मलुकदास वॉज सेंट पोएट ऑफ कड़ा, आंसर होगा कड़ा। द नेम ऑफ सेंट घासीदास फादर वॉज, द नेम ऑफ सेंट घासीदास फादर वॉज महांगू वॉज द राइट आंसर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है, शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य, ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकली जो है इनका ऑर्डर है। शंकराचार्य सबसे पहले, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ भक्ति सेंट इज कबीर सबसे पहले 1398 से 1518 AD, गुरु नानक फिर दोबारा 1469 से लेकर 1539 AD, चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर 1533 तक, मीराबाई फिर 1498 से लेकर 1546 AD तक। ज्योतिर्लिंगाज दैट आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा आर, टोटल ज्योतिर्लिंगा जो हैं, ज्योतिर्लिंगा टोटल नंबर में देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगा है। ज्योतिर्लिंगाज दैट आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा आर, टोटल नंबर में देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं। द फॉलोअर्स ऑफ रामानुज आर नोन एज वैष्णव, द फॉलोअर्स ऑफ रामानुज आर नोन एज वैष्णव। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वॉज, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वॉज नानकाना, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वॉज नानकाना। गुरु नानक फाउंडेड द सिख रिलीजन, कब फाउंड किया था इन्होंने, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी के समय में गुरु नानक ने सिख रिलीजन को फाउंड किया था। गुरु नानक फाउंडेड द सिख रिलीजन इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी।
गॉड नोज मैंस वर्च्यूज, गॉड नोज मैंस वर्च्यूज एंड इंक्वायर्स नॉट हिज कास्ट, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड देर इज नो कास्ट, दिस वॉज द थ्योरी ऑफ गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक ने बोला था कि भगवान जानते हैं मैन का वर्च्यू एंड उसका कास्ट जो है इंक्वायरी नहीं करते हैं भगवान, कोई कास्ट वास्ट नहीं पूछते हैं, और देर इज़ नो कास्ट सिस्टम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये थ्योरी थी गुरु नानक की। मीराबाई वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ तुलसीदास, गुरु नानक एंड चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई जो थी ये कंटेम्प्रोरी थी, ये बेसिकली कृष्ण की भक्ति में लगी हुई थी। तुलसीदास की कंटेम्प्रोरी थी, गुरु नानक की कंटेम्प्रोरी थी और चैतन्य महाप्रभु की कंटेम्प्रोरी थी। द नेम ऑफ हस्बैंड्स ऑफ फेमस डिवोटी पोएट मीराबाई वॉज राजकुमार भोजराज। ठीक है, भोजराज, राजकुमार भोजराज की ये बीबी थी, लेकिन ये सब कुछ छोड़ चुकी थी और ये भक्ति में लग गई थी। राग गोविंद वॉज रिटन बाई मीराबाई, राग गोविंद वॉज रिटन बाई मीराबाई, राग गोविंद वॉज रिटन बाई मीराबाई। एक तरफ है पर्सन, दूसरी तरफ है उनके कंपोजिशन। तो ध्रुवदास की कंपोजिशन है भगत नमावली। ठीक है, नभदास की कंपोजिशन है भक्त मल। केशवदास की कंपोजिशन है रसिक प्रिया और उस्मान की जो है कंपोजिशन है चित्रावली, चित्रावली। नेक्स्ट है द गिवन सेंट्स आर इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले नामदेव महाराष्ट्र में, फिर कबीर आपको यूपी में, गुरु नानक देव पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला रीजन कुछ, मीराबाई अगेन राजस्थान। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आउट ऑफ द गिवन लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट नेमली चैतन्य, मीराबाई, नामदेव एंड बल्लभाचार्य, हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इस्लाम। तो इस्लाम से इन्फ्लुएंस थे नामदेव साहब, ये महाराष्ट्र में एक्टिव थे। द भक्ति सेंट हु वॉज प्रीचिंग वेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर, ये थे उस समय गुरु नानक देव। ठीक है, द भक्ति सेंट हु वॉज प्रीचिंग वेन द लोधी डायनेस्टी फेल 1526 में और बाबर ने टेक ओवर किया, ये गुरु नानक देव थे उस समय। भक्ति सेंट और उसके जो प्रोफेशन की बात करें तो नामदेव साहब जो थे ये एक टेलर थे, मतलब छोटे कास्ट के टेलर थे। कबीर एक वीवर थे, जुलुहा वीवर थे। रायदास रविदास जो थे ये कॉबलर थे, चमार थे। सेना जो थे ये बर्बर बारबर थे। तो इनका जो है जनरली जो है प्रोफेशन काफ़ी नीचा था, बट ये इसीलिए भक्ति मूवमेंट में उतर के आए। चैतन्य महाप्रभु इज़ रिलेटेड टू द सेक्ट ऑफ वैष्णवा। ठीक है, वैष्णवा सेक्ट को काफ़ी प्रमोट किया, कृष्ण वैष्णव उसको काफ़ी प्रमोट किया उन्होंने। तुलसीदास वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर। ठीक है, तुलसीदास जो थे ये कंटेम्प्रोरी थे अकबर और जहांगीर के। द बुक रामचरितमानस ये किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। आउट ऑफ द गिवन कंपोजिशन नेमली गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रतन, विच इज़ नॉट ए कंपोजिशन ऑफ सेंट कबीरदास। तो संत कबीरदास की रचना नहीं है साहित्य रतन। द मेन सीट और पीठ जिसे कहते हैं ऑफ वर्करी सेक्ट इज सिचुएटेड एट पंधारपुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र। द सेंट ऑफ वर्करी सेक्ट वॉज नामदेव। भक्त तुकाराम, भक्त तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ मुगल एम्पायर दैट इज जहांगीर। भक्त तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ मुगल एम्पायर दैट इज जहांगीर। एमंग द गिवेन प्रोपोनेंट्स नेमली नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराजा, बल्लभाचार्य, हु वॉज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, आंसर होगा नागार्जुन। द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन। द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्ट इन इंडिया वॉज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्ट इन इंडिया वॉज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। एमंग द सूफी सेंट नेमली शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, हु वॉज द अर्लीस्ट सूफी सेंट टू हैव सेटल्ड एट अजमेर, अजमेर, आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। द फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म वॉज ख्वाजा अबू अब्दल। द फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म वॉज ख्वाजा अबू अब्दल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज डिसाइबल ऑफ ख्वाजा उस्मान हरूनी। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो ये अजमेर में है, अजमेर का दरगाह। ये खुद डिसाइपल थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। द मराठा चीफटेन हु वॉज द फर्स्ट टू ऑफर नजर दैट इज गिफ्ट एट दरगाह
गिफ्ट एट दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर वाज राजा साहू द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी. राजा साहू द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी. अगला पॉइंट है द शेख निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली वाले, ही वॉज डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद. शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन जो स्टेशन भी है हजरत निजामुद्दीन, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद. दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड इन दिल्ली. दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड इन दिल्ली. द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वॉज वन ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वॉज. द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वॉज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वॉज मोइनुद्दीन चिश्ती. मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हु डज नॉट बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर, तो इनमें जो है बिलोंग नहीं करते थे चिश्ती ऑर्डर से, वो थे शेख अब्दुल जिलानी. शेख अब्दुल जिलानी द पर्सन हु इज कॉल्ड द सदी ऑफ इंडिया. द पर्सन हु इज कॉल्ड द सदी ऑफ इंडिया इज अमीर हसन. अमीर हसन इज द राइट आंसर. आउट ऑफ द गिवन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली नेमली जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, हु वॉज रिफ्यूज एन ऑडियंस बाई निजामुद्दीन औलिया. फिर से सुनिए, आउट ऑफ द गिवन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली नेमली जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, हु वॉज रिफ्यूज एन ऑडियंस बाई निजामुद्दीन औलिया, ने इनको ऑडियंस बनाने से मना कर दिया था, इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी. द सूफी सेंट हु वॉज कॉल्ड महबूबे इलाही, द सूफी सेंट हु वॉज कॉल्ड महबूबे इलाही वॉज शेख निजामुद्दीन औलिया. महबूबे इलाही जो है सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता. द मोस्ट रिप्यूटेड डिसाइपल ऑफ शेख फरीद हु हैड सीन द रेन ऑफ एज मेनी एज सेवन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज निजामुद्दीन औलिया. द मोस्ट रिप्यूटेड डिसाइपल ऑफ शेख फरीद हु हैड सीन द रेन ऑफ एज मेनी एज सेवन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज निजामुद्दीन औलिया. एक तरफ देखिए सेंट है, दूसरी तरफ उनके म्यूजोलियम. तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का म्यूजोलियम है अजमेर में, शेख बहरुद्दीन गरीब का जो है म्यूजोलियम दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी का है गुलबर्गा में, और शेख निजामुद्दीन औलिया का है दिल्ली में. ठीक है, इनका म्यूजोलियम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली. द थॉट ऑफ द गिवन सूफी सेंट नेमली शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रिलीजियस बुक आदि ग्रंथ ऑफ सिख वॉज फरीदुद्दीन गंज ए शंकर. द फेमस सेंट शेख सलीम चिश्ती ये कहाँ पे रहते थे? सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी, आगरा के पास पड़ता है, थोड़ा सा आगे. द टाइटल ऑफ शेख उल हिंदी वॉज गिवन टू, द टाइटल ऑफ शेख उल हिंदी वॉज गिवन टू शेख सलीम चिश्ती. शेख सलीम चिश्ती एक तरफ है सेंट्स पोएट्स, दूसरी तरफ उनके सेक्ट्स. तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है सेक्ट था चिश्तिया सेक्ट से बिलोंग करते थे. शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये नक्शबंदी सेक्ट को बिलोंग करते थे. दारा सिकोह जो थे ये कदरिया सेक्ट को बिलोंग करते थे. शेख शहाबुद्दीन जो थे ये सुहरावर्दिया सेक्ट को बिलोंग करते थे. ये सिलसिला होता था इनका, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला ऐसे. शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू द सेक्ट ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर. शेख नसीरुद्दीन चिरागे चिरमपोस, चिरागे देहलवी, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी वाज ए डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया. शेख निजामुद्दीन औलिया के ये डिसाइपल थे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी. द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, ये इंट्रोड्यूस किया था शेख नियामतुल्ला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी ने. शेख नियामतुल्ला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी ने इसे लाया था इंडिया में. द
द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज नक्शबंदी ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ सूफीज़म विच वाज अगेंस्ट म्यूजिक, ये म्यूजिक के ही अगेंस्ट में था, ये था नक्शबंदिया। द ऑर्डर ऑफ सूफीज़म विच वाज अगेंस्ट म्यूजिक वाज नक्शबंदिया, ये म्यूजिक को यूज ही नहीं करते थे। वरना आप देखते हो कि अमीर खुसरो सूफी सेंटों के पास जाके कव्वाली सिस्टम डेवलप हुआ था, बट ये म्यूजिक के अगेंस्ट में था नक्शबंदिया। बाकी चिश्ती वगैरह सब म्यूजिक को सपोर्ट करते थे, एक तरफ सेक्ट दूसरी तरफ एसोसिएटेड प्लेसेस। चिश्ती जो था दिल्ली और दुआब रीजन में काफ़ी फेमस हुआ। सुहरावर्दी जो है सिंध रीजन में काफ़ी फेमस हुआ। औलिया निज़ामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली में काफ़ी फेमस हुए। फिरदौसी सिलसिला जो है बिहार में काफ़ी फेमस हुआ। आउट ऑफ द गिवन सूफीज नेमली शाह मोहम्मद घौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलियाउल्ला, ख्वाजा मीर दर्द, हु रिगार्डेड कृष्णा एमंग द औलियाज, तो ये थे शाह मोहम्मद घौस। द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला है मेनी संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक वेयर ट्रांसलेटेड इंटू पर्सियन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, बिल्कुल सही है, बहुत सारे संस्कृत वर्क को पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया है मिडिवल पीरियड में। द अर्ली चिश्ती सूफीज वेयर फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज कॉल्ड समा, समा जो है शाम को जो है लगता था, उसमें गाना बजाना चलता था। सो द अर्ली चिश्ती सूफीज वेयर फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज कॉल्ड समा, कहते हैं ना समा बांध दिया। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली उलेमा, खनका, शेख एंड समा, विच इज नॉट रिलेटेड टू सूफिज्म इज उलेमा। उलेमा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली उलेमा, खनका, शेख एंड समा, विच इज नॉट रिलेटेड टू सूफिज्म, आंसर होगा उलेमा। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वॉज कम्पोज बाई, प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वॉज कम्पोज बाई रसकम, रसखान, ठीक है। प्रेम वाटिका पोएम ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वॉज कम्पोज बाई रसखान। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस लाइक एग्जाम्पल के तौर पर बल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट, तो हम जानते हैं कि बल्लभाचार्य तो बिल्कुल एसोसिएटेड थे, चैतन्य महाप्रभु काफ़ी फेमस हुए बंगाल असम में, गुरु नानक सिखिज़म के फाउंडर, अमीर खुसरो जो थे ये एक कोर्ट पोएट थे, तो ये ही वॉज नॉट रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट। अगला है ब्रह्मंसा, ब्रह्मसा इज कम्पोज बाई, ब्रह्मसा जो है ये कम्पोज किया था मलिक मोहम्मद जायसी, ब्रह्मसा जो है कम्पोज किया था मलिक मोहम्मद जायसी। एवरी ईयर ए फेयर इज हेल्ड एट टॉम्ब ऑफ फेमस सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह, एवरी ईयर ए फेयर इज हेल्ड एट टॉम्ब ऑफ फेमस सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह, ये कहाँ पे जो है हेल्ड किया जाता है, ये देवा शरीफ में जो है हेल्ड किया जाता है। द बर्थ प्लेस ऑफ चिश्ती इज इन बेथलेहम, ठीक है, द बर्थ प्लेस ऑफ चिश्ती इज इन बेथलेहम में इसका बर्थ प्लेस हुआ था, बाद में इंडिया आया ये चिश्ती सिलसिला, सॉरी ये क्राइस्ट है यार, क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ था, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियंस बिहाइंड द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर इज द डे ऑफ रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियंस बिहाइंड द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर इज द डे रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, द क्रिश्चियन सेंट हु इज फेमस फॉर द लव ऑफ एनिमल एंड बर्ड, ऐसे क्रिश्चियन सेंट का नाम बताना जो कि एनिमल और बर्ड्स के लवर थे, इनका नाम है सेंट फ्रांसिया ऑफ असीसी। गुड फ्राइडे ऑफ क्रिश्चियन जो मनाया जाता है इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इसी दिन को मार्टियर हुआ था, जो आप देखते हो ना कि भगवान को जो है क्राइस्ट को जो है हाथों में कील विल ठोक के टांग दिया गया था, तो उनकी जो है बलिदान हुई थी, द मार्टियर्स डे ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम क्रिश्चियन में गुड फ्राइडे मनाते हैं। अब आता है मुगल डायनेस्टी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले बात करेंगे हम बाबर की, तो आलम खान वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वॉज, आलम खान जो था ये अंकल था इब्राहिम लोदी का, जो कि ज़्यादा एक्चुअली और एरिया चाहता था अपने कंट्रोल में, लेकिन इब्राहिम लोदी इसको दे नहीं रहा था, तो इसने क्या किया आलम खान ने, बाबर को इन्वाइट कर दिया कि भैया आओ और भारत पर आक्रमण करो। सो एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड ए प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहता था। ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान ही इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वॉज दौलत खान,
ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान ही इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेट इंडिया वॉज दौलत खान. द मुगल रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया वेयर, द मुगल रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया वेयर चगताई तुर्क, ठीक है, जो मुगल रूलर्स थे जो मिडिवल इंडिया में शासक थे वो बेसिकली चगताई तुर्क थे. इनके फादर साइड से और मदर साइड से ये मंगोल थे. आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली अलाउद्दीन अब्दुल्ला खान, सॉरी उज़्बेक, सैबानी खान, अबयुद्दुल्ला खान एंड जानी बेग हु डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सरे पुल. तो बाबर को बैटल ऑफ सरे पुल में हराया था सैबानी खान ने. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत में, वो बाबर और इब्राहिम लोदी, आखिरी लोदी डायनेस्टी का किंग था, सुल्तान था इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को लड़ी गई थी. द मेन रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वॉज हिज स्किल्ड वारफेयर. उसका स्किल्ड वारफेयर जो था जिसमें वो चारों तरफ से घेर लेता था सेना को, ये जो है स्किल ने उसको जिता दिया. आउट ऑफ द गिवन बैटल्स नेमली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ प्लासी एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वेयर वॉज आर्टिलरी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वन ऑफ द टू आर्मीज. ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पहली बार तोप यूज हुई थी, आर्टिलरी पहली बार यूज हुई थी तोप. तो इससे क्या है, इनको तो पता ही नहीं था, इब्राहिम लोदी की सेना को पता ही नहीं था कि भैया ये कौन सी चीज़ आ गई. जब तोपे दगने लग गई इनको एकदम बौखलाहट हो गई कि ये क्या आ गया भैया जो हमें बिल्कुल तबाह कर रहा है. तो ये तोप जो था पहली बार जो है बैटल ऑफ पानीपत में यूज हुआ था 1526 में. द रीज़न फॉर बाबर विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज मेन रीज़न वॉज आर्टिलरी, तोप की वजह से जीत गए क्योंकि तोप उस समय की सेना ने देखा ही नहीं था. बाबर डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को जो कि आखिरी जो है लोदी डायनेस्टी का सुल्तान था. बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत. किस साल ये लड़ा गया था, तो ये 1526 में दोस्तों ये लड़ा गया था, 1526 में ये लड़ा गया था. अब इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो कि बाबर ने लड़ा, बाबर ने कुल जो है चार लड़ाइयाँ लड़ी इंडिया में. बैटल ऑफ पानीपत 1526 को लड़ा था ये, ठीक है, जिसमें जीता और मुगल साम्राज्य की नींव डाला. बैटल ऑफ खानवा इसने 1527 में लड़ी थी, ठीक है, जिसमें राजपूत किंग के साथ ये लड़ाई हुई थी. बैटल ऑफ घाघरा इसने 1529 में लड़ी थी और बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में ये लड़ा था. चार बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके. द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू व्हाट, जब बाबर भारत में आया तो इसने जो है तैमुरिड डायनेस्टी जो कि ये क्लेम करते थे कि हम फादर साइड से हम लोग तैमुरिड्स हैं, तो ये तैमुरिड डायनेस्टी का जो है नींव रखा भारत में. मुगल डायनेस्टी भी बोला जाता है क्योंकि ये मंगोल भी थे मदर साइड से. द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड जिहाद वॉज बैटल ऑफ खानवा. द बैटल इन विच बाबर डिक्लेयर जिहाद को डिक्लेयर किया था बैटल ऑफ खानवा में जो कि राजपूत किंग के अगेंस्ट में लड़ा था. आउट ऑफ द गिवन बैटल्स नेमली बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा इन विच राणा सांगा फोर्ट अगेंस्ट बाबर, तो राणा सांगा की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ खानवा में बाबर के साथ. बैटल ऑफ खानवा में जो है बाबर के साथ लड़े थे राणा सांगा और हार गए थे अनफॉर्चुनेटली. द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाई बाबर इन 1527 वॉज राणा सांगा. तो ये मेवाड़ के शासक थे. द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाई बाबर इन 1527 वॉज राणा सांगा. आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया जिहारुद्दीन मोहम्मद, ये बाबर का ही नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था. ये सवाल कहीं देखा था मैंने, हाँ KVC में पूछा गया सवाल था. सो आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया जहीरुद्दीन मोहम्मद अडॉप्टेड द नेम बाबर. बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पदशाह फॉर द फर्स्ट टाइम. कब इसने अडॉप्ट किया था, बाबर ने पदशाह का टाइटल अडॉप्ट किया था काबुल में. द एम्पायर बाबर इंक्लूडेड, बाबर का जो एम्पायर था उसमें एरिया ऑफ काबुल था, उसमें एरिया ऑफ पंजाब भी था, उसमें कुछ एरिया था मॉडर्न उत्तर प्रदेश का. तो ये पूरा एरिया जो था ये बाबर के कब्जे में था. नेम द मुगल एम्पायर हु सक्सीडेड इन द लाइफ ड्यू टू हिज पेशेंस एंड रिजोल्यूशन विच इज़ लेशन फॉर एवरी वन.
तो ये पेशेंस है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, जो कि फरगना से स्टार्ट किया था और काफ़ी कम उम्र में शासक बना था और इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी भारत में। द हिंदू स्टेट विच हैज़ बीन मैंसनड बाई बाबर इन बाबरनामा वाज मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के की राणा सांगा से लड़ाई हुई थी तो उसको मेंशन किया है बाबर ने अपने बाबरनामा में, जो इसका जो है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी था। बाबर रोट हिज मेमोयर तुजुके बाबरी, किस लैंग्वेज में लिखी अपनी मेमोरी को तुजुके बाबरी में, तुर्की लैंग्वेज में, तुर्किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाबरी मॉस्क जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अयोध्या बाई मीर बाकी। ठीक है, बाबरी मॉस्क जो है, बाबरी मस्जिद जो था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अयोध्या, जो कि बताते हैं कि मंदिर के ऊपर श्री राम जी के जन्मभूमि पे ही बना दिया था मीर बाकी ने। तो अब ये बाबरी मस्जिद वाला विवाद ख़त्म हो गया है। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स अकबर बाबर हुमायूं हु सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड शाहरुख। तो ये सिल्वर कॉइन बाबर ने जो है सर्कुलेट किया था। नेक्स्ट आता है हुमायूं एंड शेरशाह का, हुमायूं एंड शेरशाह का पीरियड। ठीक है, तो हुमायूं ऑफ कोर्स बाबर का लड़का था। एक ट्रिक याद कर लेना अगर आपको सिक्वेंसली ना याद हो, इनकी जो मेन मुग़ल जो शासक थे बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब, ये भाजसा है, ये ट्रिक है भाजसा। ठीक है, बाबर हुमायूं भाजसा अगर लिखते हैं, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब भाजसा। सो आउट ऑफ द गिवन नेम्स कर्मरन उस्मान अस्कारी एंड हिंदल हु वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। तो उस्मान जो है भाई नहीं था। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैटल्स फॉट बाई हुमायूं, तो एक बैटल ऑफ देवारा इसने लड़ा, बैटल ऑफ चौसा इसमें शेरशाह सूरी ने हराया, बैटल ऑफ कन्नौज में भी अगेन शेरशाह सूरी ने इसे हराया, और एक बैटल ऑफ सरहिंद, ये चार लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी हुमायूं की। द टू रूलर्स हु फॉट द बैटल नियर कन्नौज 17 मई 1540 को, और इस बैटल के बाद जो डिसाइड हो गया था कि हुमायूं को भागना पड़ेगा और शेरशाह सूरी ने अफगान डायनेस्टी की, अपनी सूरी डायनेस्टी की नींव रख दी थी पूरे भारत में शेरशाह ने। फरीद हु लेटर बिकम शेरशाह सूरी गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। ठीक है, जौनपुर का ये एक अफगानी था जो कि इसका बाबूजी जो थे सासाराम के जागीरदारी थे, बट ये जौनपुर में इसने जो है एजुकेशन अपना ग्रहण किया था। आउट ऑफ द गिवन मेडिवल एरा रूलर्स नेमली बलबन अलाउद्दीन खिलजी इब्राहिम लोदी एंड शेरशाह हु वॉज हाईली एजुकेटेड, तो शेरशाह जो था काफ़ी एजुकेटेड बंदा था। द सुल्तान हु एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला का टाइटल एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान बना, ये शेरशाह सूरी था। हजरत आला का टाइटल एज्यूम करने वाला था शेरशाह सूरी। काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन बनता है। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली अकबर जहांगीर इस्लाम शाह एंड शेरशाह हु कंस्ट्रक्टेड ए रोड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर कॉल्ड सड़क ए आजम, जिसे हम GT रोड भी कहते हैं, ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है द इम्प्रूवमेंट्स डन बाई शेरशाह सूरी वेयर। देखिए, गद्दी पे बैठने के बाद शेरशाह सूरी ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम करे, इम्प्रूवमेंट करा, जैसे रेवेन्यू में रिफॉर्म किया, जिसमें वो पूरा जो है टोडरमल का जो सिस्टम था, जब्ती सिस्टम वाला, वो उसको लगाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी इसने करे बहुत अच्छे खासे, मिलिट्री रिफॉर्म्स करे, और करेंसी सिस्टम रिफॉर्म जो है इसने करा, जो प्रेजेंट डे रुपया है वो इसी ने कहीं ना कहीं इवॉल्व कराया था। जयता एंड कुंपा हु इम्प्रेस्ड शेरशाह विथ देयर वैल्योर वेयर एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ, जयत और कुंपा जो थे ये इम्प्रेस किया था इन्होंने शेरशाह को अपने शौर्य की वजह से, ये एसोसिएटेड थे मारवाड़ रीजन से। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत द फर्स्ट रूलर हु इशूड गोल्ड क्वाइन वाज, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत द फर्स्ट रूलर हु इशूड गोल्ड क्वाइन वाज हुमायूं इज द राइट आंसर। हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट यूपी में पड़ता है, फर्स्ट टाइम इसने इन्वेड किया चुनार फोर्ट में, 1532 में इसका इन्वेशन हुआ था। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन नेम शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरुस निशा बेगम हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए म्यूजोलियम फॉर हर इम्पेरर हस्बैंड हुमायूं, तो हाजी बेगम ने जो है
एक म्यूजोलियम बनवाया था अपने हस्बैंड के लिए, द प्योर सिल्वर रुपया आवाजी सूट बाई, द प्योर जो सिल्वर का रुपया था ये इशू किया था शेर शाह ने। इसीलिए मैंने कहा कि रुपया जो है शब्द जो है ये शेर शाह का देन है। द एक्सचेंज रेट ऑफ प्योर सिल्वर रुपया एंड कॉपर दाम इशूड अंडर द शेर शाह आवाज, एक रुपया जो था वो बराबर था द एक्सचेंज रेट ऑफ प्योर सिल्वर रुपीस एंड कॉपर दाम, 64 जो है कॉपर दाम का एक रुपया होता था। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी अकर्ड कहाँ पे हुआ, कलिंजर की लड़ाई में इसका डेथ हो गया था, कलिंजर की लड़ाई में इसका डेथ हो गया था। उसके बाद तो अफगान डायनेस्टी गिर भी गई, ठीक है, सूर डायनेस्टी गिर गई। लास्ट एक्सपेडिशन था शेर शाह सूरी का अगेंस्ट कलिंजर, ये लड़ाई लड़ रहा था और यही पे लड़ते लड़ते इसका देहांत हो गया। द म्यूजोलियम ऑफ शेर शाह, ये जो है मकबरा जो है शेर शाह का मकबरा, सासाराम बिहार के सासाराम में ये लोकेटेड है, बिहार के सासाराम में ये लोकेटेड है मकबरा ऑफ शेर शाह। ए मोनूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाई शेर शाह, शेर शाह ने एक मोनूमेंट बनवाया था जिसका नाम है किलाए कुन्हा, किलाए कुन्हा जो है ये दिल्ली में इसने बनवाया था शेर शाह ने। ही बिल्ड द मॉस्क किलाए कुन्हा इनसाइड पुराना किला ऑफ नई दिल्ली, पुराना किला ऑफ नई दिल्ली में इसने किलाए कुन्हा बनाया था शेर शाह सूरी ने। बिल्डिंग ऑफ पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली बाई शेर शाह एंड हुमायूं बोथ, पुराना किला को दोनों ने बनवाया था, शेर शाह ने भी उसमें जो है किलाए कुन्हा बनवा दिया, हुमायूं ने तो बनवाया ही था पुराना किला। द मिडिवल रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबुलियत टू हेल्प पीजेंट्स वॉज, पट्टा मतलब कि राइट्स दे देना किसानों को कि भाई ये इतनी ज़मीन आपकी है और इस पे रेवेन्यू आपको देना है, तो पट्टा और काबुलियत सिस्टम जो है ये पीजेंट्स के लिए ये लाया था शेर शाह सूरी। द सक्सेसर ऑफ शेर शाह वाज, शेर शाह को सक्सीड किया इस्लाम शाह ने और ये आखिरी शासक भी था इस्लाम शाह। द रूलर हु डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500, मतलब एक एक यूनिट बना दिया कि कुछ यूनिट ऐसी थी जिसमें 200 सिपाही थे, कुछ यूनिट ऐसी थी जिसमें 250 थे और कुछ ऐसी थी जिसमें 500 थे, ये डिवीजन करने वाला शासक था इस्लाम शाह। आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द मिडिवल रूलर शेर शाह। आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, ये कहा था शेर शाह सूरी ने। विथ रिस्पेक्ट टू शेर शाह सूरी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वही लिखा गया है। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसने काफ़ी ज़्यादा चेंज करा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। अकबर की बात करेंगे, अगला जो शासक है वो अकबर है, ठीक है, हुमायूं की, चूँकि हुमायूं की मतलब जिक्र शेर शाह सूरी के साथ करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हुमायूं हार गया था, भाग गया था वो भारत छोड़ के, ठीक है, तो शेर सूर डायनेस्टी की नींव पड़ गई थी इसलिए शेर शाह सूरी की जिक्र हमने किया है। अब हम करते हैं अकबर की बात। तो द प्लेस वेयर अकबर वॉज इनथ्रोन्ड ऑन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ हुमायूं डेथ वॉज कलानौर, द प्लेस वेयर अकबर वॉज इनथ्रोन्ड मतलब गद्दी पर बैठा था ऑन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ हुमायूं डेथ वॉज कलानौर। इसी के बाद ये अकबर जो है बैरम खान के नेतृत्व में, रीजेंट था बैरम खान क्योंकि ये छोटा था अकबर उस समय, काफ़ी बच्चा था, तो रीजेंटशिप में इसने शासन किया। द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी टू सबड्यू राणा प्रताप, राणा प्रताप को जो है महाराणा प्रताप जो थे उनकी पावर काफ़ी ऊपर जा रही थी तो उनको हराना जरूरी था, इस वजह से जो है अकबर ने बैटल ऑफ हल्दीघाटी में लड़ाई लड़ी और राणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप हारे थे। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट इन, हल्दीघाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में, द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज हकीम खान सूर, जो कमांडर था राणा प्रताप के आर्मी का वो हकीम खान सूर था क्योंकि उस समय अफगानी सपोर्ट कर रहे थे महाराणा प्रताप को, ठीक है, इसीलिए जो है आर्मी का कमांडर बनाया गया था हकीम खान सूर को। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विथ द राजपूत वॉज एस्टैब्लिश बाई अकबर विद द हाउस ऑफ कछावाज, कछावाज के जो है शादी करके राजपूत फैमिली कछावा में शादी करा था, पहला शादी इसका अकबर का था। द म्यूजोलियम चिश्ती सेंट दैट वाज विजिटेड बाय अकबर मोस्ट, तो अकबर जो था ना ये अजमेर खूब जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में ये सर जाके टेकता रहता था।
ठीक है, आउट ऑफ द गिवन नेम्स अधम खान, बैरम खान, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खान, हु वॉज पर्सनली किल्ड बाई अकबर, अकबर ने मार दिया था अधम खान को, अधम खान को अकबर ने मारा था, ठीक है, अधम खान को अकबर ने मार दिया था पर्सनली। नेक्स्ट है कि अधम खान को मार दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द राजपूत रूलर हु कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल्स एंड डिड नॉट सरेंडर वाज, ठीक है, राणा प्रताप थे एक तो, दूसरे थे राणा प्रताप थे मेवाड़ के और राव चंद्रसेन थे मारवाड़ के, ये कभी सरेंडर इन दोनों ने नहीं किया, बोले कि हम लड़ेंगे, भले मरेंगे बट लड़ेंगे अपने राजपाट को पाने के लिए। नेक्स्ट है दुर्गावती, ये क्वीन थी, किसकी क्वीन थी, तो गोंडो की क्वीन थी दुर्गावती, हु फॉट अगेंस्ट अकबर वाज द क्वीन ऑफ मंडला, मंडला की ये क्वीन थी। यूसुफ शाह चाक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर वैली हु वाज एग्जाइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पायर अकबर वाज ब्यूरीड, इनकी यूसुफ शाह चाक का जो है दरगाह जो है ब्यूरी किया गया था नालंदा में। ये कश्मीर वैली का आखिरी शासक था लेकिन इसको भागना पड़ गया था क्योंकि कश्मीर पे अटैक कर दिया था अकबर ने, तो एग्जाइल में ये भाग के बिहार पहुंचा और बिहार में ही इसका जो है देहांत हुआ। अबुल फजल डेथ वाज कॉज्ड बाय, प्रिंस सलीम ने मरवा दिया था अबुल फजल को, जो कि अकबर नामा का रचयिता था, ठीक है, आईने अकबरी लिखा था इसने, इसकी जो है डेथ हो गई, क्यों, क्योंकि प्रिंस सलीम ने इसे मरवा दिया था। द फैक्टर्स विच आर कंड्यूसिव टू इस्टेब्लिशिंग अकबर्स एज ए नेशनलिस्ट, अकबर को नेशनलिस्ट क्यों कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी इसने दिखाई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड यूनिटी इन लॉ लेके आया था। इसके अलावा अकबर का एफर्ट जो था कल्चरल यूनिटी बनाने के लिए वो भी काफ़ी सराहनीय था। अकबर्स की रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंस स्पेशली जो दिले इलाही जो लेके आया था वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको नेशनलिस्ट करार देने में। कॉजेज ऑफ अकबर्स पॉपुलरिटी वेयर, मनसबदारी सिस्टम ये लेके आया था जिसमें मनसब्स जो थे जाट और रैंकिंग दिया जाता था उनको। रिलीजियस पॉलिसी इसकी दीने इलाही वाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसने थोड़ा सा रिफॉर्म किया था और सोशल रिफॉर्म्स भी ये करता था, तो अकबर काफ़ी पॉपुलर हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। द मुस्लिम रूलर हु इस एबोलिश पिलग्रिमेज टैक्स, जिसे जीजिया कर कहते थे, तो ये एबोलिश किया था अकबर ने, ये इसकी रिलीजियस पॉलिसी का पार्ट है कि इसने जो है जीजिया टैक्स जो है हटाया था। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन एम्पायर्स नेमली बाबर, हुमायूं, अकबर एंड औरंगजेब हु मे बी कॉल्ड द इनलाइटेंड डिस्पोट, आउट ऑफ द गिवन एम्पायर्स नेमली बाबर, हुमायूं, अकबर एंड औरंगजेब हु मे बी कॉल्ड एज द इनलाइटेंड डिस्पोट, आंसर होगा अकबर। द रूलर हु हैड ऑर्डर दैट ए मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ, देख लो खुद शादी ज़्यादा कर लो और खैर, द रूलर हु हैड ऑर्डर दैट मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ एंड कुड मैरी अनदर ओनली वेन द फर्स्ट वाइफ हैज वाज बैरन, तो ये कहा था अकबर ने जब उससे बच्चा ना हो ऐसा कर, तो भैया ऐसा कर लो ना कि बैरन हो चाहे ना हो एक ही रखो। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर वेयर, नंबर वन, अकबर ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल, ट्राई किया था कर नहीं पाया खैर। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल, कि भाई महिलाएं अपना जो है लड़कियां अपना ओन विल से शादी कर सकती हैं, नॉट अंडर द पेरेंटल प्रेशर, एक सोसाइटल इसने चेंज लाया था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस देखेंगे तो नंबर वन है मुगल इन्वेशन ऑफ मालवा सबसे पहले हुआ, फिर अकबर का शादी हुआ प्रिंसेस ऑफ अम्बेर के साथ, करानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा हुआ, बैटल ऑफ तुकारोई, ये सब अकबर के लाइफ इंसिडेंट्स हैं सिक्वेंशियल मैनर में। जो अकबर का शासन था इट इज़ नोन फॉर एनेक्सेशन ऑफ रिलीजन्स रीजन्स, इसने काफ़ी मेवाड़ गुजरात बहुत सारा एरिया को एनेक्स किया था मुगल के साम्राज्य में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि मनसबदारी सिस्टम से इसने करवाया था ये भी काफ़ी फेमस हुआ। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। The head of military department under the recognized central machinery of administration during Akbar's reign was the head of military department under the recognized central machinery
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर रेन वॉज मीर बख्शी। मीर बख्शी बोला जाता था जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करता था। मिलिट्री सिस्टम इन द रेन ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑन वॉट। मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मनसबदार चुने जाते थे और उनको जाट रैंकिंग के हिसाब से, उनके पास जो सेना के हिसाब से, उनको मनसबदार बनाया जाता था, एक एरिया जागीर के तौर पे दे दिया जाता था। द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टैचू स्टेटस ऑफ दीवान बाई अकबर वाज मुजफ्फर खान तुरबती। पहला जो है एक व्यक्ति जिसको दीवान का स्टेटस बनाया गया था कि भाई आप दीवान हो, पहला व्यक्ति था अकबर के द्वारा जो दिया गया था वो था मुजफ्फर खान तुरबती। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन, ये मंगोलिया में ये सिस्टम फॉलो किया जाता था मंगोलों के द्वारा, इसको जो है कहीं ना कहीं हमारे भारत में लगाया गया, तो एक बोरोड कॉन्सेप्ट था ये मंगोलिया का। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन घुड़सवार जो होते हैं द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। ठीक है, एक अगर कोई घुड़सवार है तो मनसबदारों को उसके लिए 20 घोड़े जो है मेंटेन करने पड़ते थे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जब्ती सिस्टम, दहसला सिस्टम, नस्क कंकूट विच इज़ नोन एज द बंदोबस्त सिस्टम। तो दहसला सिस्टम को जो है हम जानते हैं कि बंदोबस्त सिस्टम, और जो कि एक राजा टोडरमल थे उनकी ये देन थी, एक रेवेन्यू पॉलिसी टाइप की थी। ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम और आइने दहसला जिसे बोलते हैं, ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, या फिर जिसे हम आइने दहसला कहते हैं, ये किसने डेवलप किया था, ये डेवलप किया था दोस्तों टोडरमल, राजा टोडरमल। अकबर लॉन्च दिले इलाही, दिले इलाही एक रिलीजियस पॉलिसी थी अकबर की, और ये जो है दिले इलाही लॉन्च किया था 1582 में, जिसमें ये डिफरेंट जो रिलीजन्स थे उसमें कोहरेंस लाने की कोशिश कर रहा था। सो द हिस्टोरियन हु सेड दैट दिने इलाही इज़ अ रिलीजन, मतलब दिने इलाही को भी एक रिलीजन बोल दिया, ये हिस्टोरियन का नाम है मोहसिन फानी। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना जो था यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स को उलेमाओं और मतलब जो डिफरेंट रिलीजन्स के हेड हुआ करते थे, जैसे कि पंडित हो गए हिंदू रिलीजन के, काजी हो गए आपके मुस्लिम रिलीजन के, जो फादर होते थे क्रिश्चियन के, और ऐसे ही डिफरेंट रिलीजन के हेड के साथ मिलकर बैठ के इबादत खाना में डिस्कशन करता था रिलीजियस मैटर्स को अकबर। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज क्या था? ये एक रूम था इन विच द नोबल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस गैदर्ड, डिफरेंट रिलीजन्स गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स, अभी मैंने बात करा था इसके बारे में। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस और फोर्ट्स नेमली गोल्डन पैलेस, ठीक है, पांच महल, जोधाबाई पैलेस, अकबरी महल विच इज़ नॉट एट फतेहपुर सिकरी। तो इसमें जो है देखिए गोल्डन पैलेस है फतेहपुर सिकरी में, पांच महल है, जोधाबाई का पैलेस है, बट अकबरी महल जो है यहाँ पे नहीं है। द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर वाज दिस इज हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम का भी जाना, काफ़ी प्यारा स्ट्रक्चर है, ये हिस्टोरिकल एक मोनूमेंट है, दिल्ली में है। इसमें जब जाओगे तो आपको चारों तरफ इसकी नालियाँ भी दिखेंगी चारवाक स्टाइल में, सिंथेसिस है ये पर्सियन और इंडियन स्टाइल्स के आर्किटेक्चर का। द थियरी ऑफ सुलह कुल जो है ये प्रोमलगेट किया था अकबर ने। थियरी ऑफ सुलह कुल जो है ये अकबर की पॉलिसी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल दैट इज़ यूनिवर्सल पीस एंड फैटर्निटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल दैट इज़ यूनिवर्सल पीस एंड फैटर्निटी एडॉप्टेड बाई अकबर वॉज द रिजल्ट ऑफ वॉट, इसकी पॉलिटिकल जेनरोसिटी का ये प्रमाण था। रिलीजियस टोलरेंस जो कि ये डिफरेंट रिलीजन से चर्चा भी करता था वो भी दिखाता है। लिबरल कल्चरल एटीट्यूड था कि भाई ऐसा नहीं है कि जो इंडिजिनस कल्चर इसको ख़त्म नहीं करना है, ये लिबरल था इस मामले में। तो ये सब पार्ट मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल पीस और फ्रेटर्निटी ऐसा कह सकते हैं, जिसे हम सुलह कुल कहते हैं, ये अकबर का कॉन्सेप्ट बन जाता है। फतवा वाज इशूड फ्रॉम जौनपुर अगेंस्ट दिस मुगल एम्पायर, ये है अकबर। आउट ऑफ द गिवन मुगल एम्पायर्स नेमली जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर, हु इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी जो है भारत में उस समय मुगल शासक अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था।
द फाइनेस्ट मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर आर फाउंड इन इट। फाइनेस्ट मोनूमेंट इसके जो है फतेहपुर सिकरी में मिलते हैं, जो बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय के बाद में 1572 में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंस्ट्रक्शन है अकबर के द्वारा। द मोनूमेंट विच इज बिल्ट बाई अकबर एंड आर्किटेक्ट लाइक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ये पांच महल जो है फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स में ही है, अंदर जाओगे तो वहाँ पे पांच महल है। ये मुगल आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जो है मिश्रण है, ये मिश्रण है जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री टाइप का जो है पांच महल बनाया गया है। जहांगीर महल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आगरा में लोकेटेड है। जहांगीर अकबर का बेटा था। आउट ऑफ द गिवन फोर्ट्स नेमली रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट, विच वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ रिजाइम ऑफ अकबर या फिर रेन ऑफ अकबर, तो हम जानते हैं कि रेड फोर्ट जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया था, अकबर ने नहीं बनवाया था। अब देखिए, एक तरफ है इम्पेरर्स और उनके टॉम्ब कहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पेरर और उनके टॉम्ब, इससे सवाल एक न एक बन ही जाता है। तो बाबर, जिसने 1526 से 30 में इंडिया में शासन किया, मुगल साम्राज्य की नींव डाली, इसका जो टॉम्ब है ये काबुल में, अफगानिस्तान काबुल में है इसका टॉम्ब, ठीक है। बाबर का टॉम्ब कहाँ पे है, मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। और जहांगीर का मकबरा अगेन पाकिस्तान लाहौर में है। शाहजहाँ का मकबरा इंडिया में आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुल्दाबाद में है। द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इंटू पर्सियन इन द टाइम ऑफ अकबर वॉज कैरिड अंडर द, देखिए ये ट्रांसलेशन जो है, इसे रजमनामा भी बोला गया, इसको महाभारत को रजमनामा बोला गया है ट्रांसलेशन करके पर्सियन में। इसको ट्रांसलेट किया था जॉइंटली भाई फैजी बदाउनी नकीब खान, तीनों ने मिलकर जॉइंटली जो है इसको ट्रांसलेट किया था महाभारत को पर्सियन में, जॉइंटली फैजी बदाउनी और नकीब खान के द्वारा किया गया था। अगला है आउट ऑफ द गिवन पर्सन्स नेमली अब्दुल कादरी, अब्दुल कादिर बदाउनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक, हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्सियन, तो आंसर होगा अब्दुल कादरी बदाउनी। अब्दुल कादरी बदाउनी और नाम रखा गया रजमनामा। सो द पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल्ड एज रजमनामा। द पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल्ड रजमनामा। द पर्सन हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्सियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर। द पर्सन हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू पर्सियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर इज, आंसर होगा अब्दुल कादिर बदाउनी। अब्दुल कादिर बदाउनी कहते हैं तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। आउट ऑफ द गिवन पर्सन्स नेमली मोहम्मद हुसैन, मुकमल खान, अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली, हु वॉज अवार्डेड द ऑनर ऑफ जरी कलम बाई किंग अकबर, आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। द जैन मॉन्क हु स्टेड फॉर ए फ्यू ईयर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु। जगत गुरु एक जैन मॉन्क थे, उनको ये टाइटल दिया गया, इनका नाम था हरि विजय सूरी, वेरी फेमस। ये सवाल बहुत रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है तो याद रखेंगे। आउट ऑफ द गिवन पेंटर्स नेमली अबुल हसन दसवंत, किशान दास, उस्ताद मंसूर, हु वॉज द फेमस पेंटर ऑफ मुगल इम्पेरर अकबर। तो दसवंत जो थे फेमस मुगल पेंटर थे अकबर के समय में, और पेंटिंग जो है हुमायूं के समय से स्टार्ट हुई, बट इसका जो है जेनिथ पहुंचा था जहांगीर के समय में। यूरोपियन पेंटिंग्स वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट ऑफ अकबर। नेम द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। तो ये अकबर के काल में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया था। उस समय गद्दी पे अकबर बैठा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी भी लिखी थी और
अकबरनामा भी लिखा था। फर्स्ट इंग्लिश मैन हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट वाज रॉफ फिच। रॉफ फिच जो है पहला इंग्लिश मैन था जो कि अकबर के कोर्ट में भारत आया था। पहला इंग्लिश मैन था ये। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द अकबर रिजाइम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर बात करें तो इवेंट्स जैसे अगर अरेंज करोगे तो सबसे पहले अकबर ने काम किया, वो किया एबोलिशन ऑफ जीजिया। जीजिया एक कर होता था नॉन मुस्लिम पे, उनके रिलीजियस अफेयर्स के लिए लगाया जाता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना जिसमें ये डिस्कस करता था रिलीजियस मैटर्स को डिफरेंट हेड ऑफ द रिलीजन्स के साथ, तो ये दूसरा इसका था इन सिक्वेंशियल वे। फिर आता है सिंगिंग ऑफ महजार एंड फाउंडेशन ऑफ दीन इलाही। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर। किस साल में जो है अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने एम्पायर में, मुगल एम्पायर में मिला लिया, ये साल था 1576। अब आता है इसका बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर। सो दो अस्पा एंड सिंह अस्पा सिस्टम जो है, दो अस्पा एंड सिंह अस्पा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? दो अस्पा और सिंह अस्पा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम आर। मुगलों का जो ये मनसबदारी सिस्टम था उससे ट्रू जो स्टेटमेंट है वो मैं बता देता हूँ। जाट और सवार जो है रैंक्स ग्रांट किए जाते थे मनसबदारों को, जितनी ज़्यादा ये रैंकिंग होती थी उतना ही वो मजबूत मनसबदार माना जाता था। देयर वेर थ्री कैटेगरीज ऑफ मनसबदार्स। द रेन ऑफ एम्पायर इन विच द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ वाज साइंड बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़। तो चित्तौड़ की ट्रीटी जो है जहांगीर के शासनकाल में ये साइन हुई थी राणा ऑफ मेवाड़ के साथ मुगलों की। द पर्सन हु वाज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो पहला जो व्यक्ति आया था जो कि बात करना चाहता था ऑन द मैटर्स ऑफ कि भाई हमें राइट्स दे दो कि हमें इस्टेब्लिश कर सके, अपनी कंपनी लगा सके, तो ये था विलियम हॉकिंग्स। द फर्स्ट एम्बेसडर सेंट बाई ब्रिटिश किंग जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर वाज सर थॉमस रो। ये ब्रिटिश किंग जेम्स वन का एम्बेसडर था जो कि जहांगीर के कोर्ट में भारत आया था, सर थॉमस रो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस मुगल एम्पायर सर थॉमस रो केम टू इंडिया वाज जहांगीर। मुगल एम्पायर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान। किसको ये टाइटल दिया था? इंग्लिश खान। मुगल एम्पायर जहांगीर ने टाइटल दिया था विलियम हॉकिंग्स को जो कि पहला इंग्लिश मैन जहांगीर के कोर्ट में आया था। उसके बाद फिर थॉमस रो जरूर आया लेकिन इसको जो है इंग्लिश खान का टाइटल दिया था जहांगीर ने विलियम हॉकिंग्स को। सर थॉमस रो एंड एम्बेसडर ऑफ जेम वन ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया इन द ईयर 1615 में आया था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, साल पूछा जा सकता है। सर थॉमस रो एंड एम्बेसडर ऑफ जेम वन ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया इन द ईयर 1615 AD। थॉमस रो वॉज रिसीव्ड इन ऑडियंस बाई जहांगीर। कहाँ पे रिसीव किया गया थॉमस रो को? इन ऑडियंस जहांगीर के द्वारा अजमेर में ये इसको रिसीव किया गया। द ब्रिटिश एम्बेसडर हु केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मंडू वॉज सर थॉमस रो। द ब्रिटिश एम्बेसडर हु केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मंडू वॉज सर थॉमस रो। ए डच ट्रैवलर हु हैज़ गिवन ए वेरी वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ रेन ऑफ जहांगीर वॉज फ्रांसुआ पेल्सियाट। एक डच ट्रैवलर था फ्रांसुआ पेल्सियाट जिसने अपना अकाउंट दिया है, अपने यात्रा विवरांत में मेंशन किया है जो शासनकाल था जहांगीर का उसके बारे में। द मुगल एम्पायर्स हु हैव नो म्यूजोलियम इन इंडिया। मतलब इसका मकबरा भारत में नहीं है वो है जहांगीर। जहांगीर का लाहौर में है, बाबर का हम जानते हैं कि काबुल में है, एंड बहादुर शाह जफर का भी मकबरा इंडिया में नहीं है। द एम्पायर जहांगीर वॉज ब्यूरीड इन, आंसर होगा लाहौर। मुगल पेंटिंग का जो है जेनिथ जो है उसका प्रकाष्ठा जो है जो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा वो पहुंचा जहांगीर के शासनकाल में। हालांकि पूछा जाता है कि मुगल पेंटिंग किस शासनकाल में, किस राजा के, किस एम्पायर के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे आंसर था हुमायूं। बट काफ़ी जेनिथ पे पहुंचा था जहांगीर के समय में। द पेंटर हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नदीर उल जमान। नदीर उल जमान एक टाइटल दिया गया था बहुत फेमस पेंटर अबुल हसन को जो कि जहांगीर के कोर्ट में थे। द पेंटर ऑफ जहांगीर्स रेन हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नदीर उल असरा। नदीर उल असरा का टाइटल दिया गया मंसूर को। द
मुगल एम्पायर हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन लैंग्वेज, खुद ही लिखा था इसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, ये है पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था जहांगीर ने, जिसका नाम रखा गया तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। द किलर ऑफ अबुल फजल वॉज रिवार्डेड बाई जहांगीर, जहांगीर ने ही मरवाया था अबुल फजल को, क्योंकि पसंद नहीं करता था अबुल फजल को ये, ठीक है। अबुल फजल अकबर के शासनकाल में काफ़ी फेमस हुआ था, आईने अकबरी लिखी थी, तो पूरा मुग़ल का जो है उस समय सिस्टम उसमें बताया, और अबुल फजल यही है जिसने अकबरनामा भी लिखा था। तो इसने जहांगीर, इसको जहांगीर ने मरवा दिया क्योंकि इसको पसंद नहीं करता था ये। दोज हु हैड रिवेल्ड अगेंस्ट द मुग़ल एम्पायर जहांगीर वाज, जहांगीर के अगेंस्ट में रिवेल किया था खुर्रम ने, महाबाद खान ने और खुसरो ने रिवेल कर दिया था। तो खुर्रम खुद इसका बेटा भी था, खुसरो वाज द सन ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये जहांगीर का बेटा था, ठीक है। खुसरो खुर्रम दोनों जहांगीर के बेटे थे, खुर्रम ही बाद में शाहजहां बना था। सो खुसरो वाज द सन ऑफ मुग़ल एम्पायर जहांगीर। द मेंबर ऑफ नूर जहां जुंटा कंसिस्ट ऑफ, देखिए कहीं ना कहीं जहांगीर गद्दी पर तो बैठा था लेकिन उस अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था और उसको मतलब उसका गुलाम जैसा हो गया था नूरजहाँ का। तो नूरजहाँ एक ओरिजिनल तौर पे देखा जाए तो उस समय शासन कर रही थी, हालांकि नाम जहांगीर का चल रहा था। सो मेंबर ऑफ नूरजहाँ जुंटा एक बनाया था इसने, उसमें मेंबर में इसका बाप जो था इतमाद उल दौला था और मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग ये फादर ही था इसके, जुंटा में कंसिस्टेड था। इसके अलावा असमत बेगम थी मदर ऑफ नूरजहाँ, फादर मदर सबको ये रख रखी थी। असफ खान इसका ब्रदर था, प्रिंस खुर्रम इसका सन इन लॉ था, सन इन लॉ ऑफ हर ब्रदर असफ खान का सन इन लॉ था, ठीक है। नूर जहाँ हरसेल्फ भी उसमें थी, तो कहीं ना कहीं शासन ये लोग मिलकर चला रहे थे उस समय। एमंग जहांगीर गियास बेग असफ खान एंड खुर्रम हु वाज नॉट पार्ट ऑफ नूर जहाँ जुंटा, तो हम जानते हैं कि जहांगीर खुद जो है इसके पार्ट नहीं थे, इनकी जो वाइफ थी उसमें अपनी माँ को घियास बेग को उसका जुंटा का पार्ट बना रखा था, असफ खान जो कि उसका भाई था उसको भी उसमें डाल रखा था, खुर्रम को भी डाल रखा था। इमाद उद दौला का टॉम जो है जो कि बाप था नूरजहाँ का, ये खुद इसने बनवाया था, नूरजहाँ ने, कहाँ पे बनवाया, फतेहपुर सिकरी में। इतमाद उद दौला जो कि बाप था नूरजहाँ का, उसका जो है टॉम्ब बनवाया इसने नूरजहाँ ने, कहाँ पे बनवाया था, फतेहपुर सिकरी में। फिर अब देखते हैं बिल्डर और मोनूमेंट्स क्या बनवाया। बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद संभल में, बाबर ने बनवाया था एक मोनूमेंट जिसका नाम है जामा मस्जिद, ये संभल में बनवाया था। हुमायूं ने बनवाया था दीन पनाह जो कि दिल्ली में बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया था कंप्लीशन ऑफ अकबर्स म्यूजोलियम, अकबर ने बनवाया था जहांगीर महल, जहांगीरी महल। गोविंद पैलेस जो है, गोविंद पैलेस एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एट, गोविंद पैलेस जो कि एक एक्सेलेंट स्पेसिमेन है हिंदू आर्किटेक्चर का, ये लोकेटेड था दांतिया में लोकेटेड है। अब आता है अकबर जहांगीर के बाद भाजसा में शाहजहां, एस ठीक है, शाहजहां आता है। द रूट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर वाज, तो ये था कंधार, कंधार पे कब्जा करना चाहते थे ईरानियन और कंधार को छोड़ना नहीं चाहता था शाहजहां, तो ये रूट ऑफ डिस्प्यूट बन गया शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर शाहजहां के बीच में। द लॉस ऑफ दिस रीजन दैट वाज स्ट्रेटेजिकली स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ मुगल एम्पायर बिकम ए बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर वाज कंधार, कंधार जब छीन लिया गया ईरानियंस के द्वारा तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था मुगलों को। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्ख कैंपेन वॉज टू, जो बल्ख कैंपेन शाहजहां ने चलाया था उसका मोटिव क्या था, उसका मोटिव था कि भैया सिक्योर किया जा सके एक फ्रेंडली रूलर इन बल्ख रीजन एंड बदख्शान विच बॉर्डर्ड काबुल, ताकि मतलब फर्दर उधर जो है इन्वेशन ना हो पाए इंडिया की तरफ, तो एक फ्रेंडली रूलर वहाँ पे बिठाया जाए, इसीलिए जो है शाहजहां ने बल्ख कैंपेन किया था। द पर्सन हु हैड लेड ए डिपुटेशन ऑफ बनारस पंडित्स बिफोर द मुगल एम्पायर टू सीक द एबोलिशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स, जिसे जीजिया कर कहते हैं,
ऑन बनारस एंड अलाहाबाद वास कबीर कबींद्राचार्य, ठीक है, कबींद्राचार्य मुगल रूलर हु पैटर्नाइज्ड कबींद्राचार्य सरस्वती ऑफ बनारस ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी वाज शाहजहाँ, ठीक है, इसने पैटर्नाइज कर लिया कबीर चंद्राचार्य को, कबीर चंद कवि आचार्य सरस्वती को बनारस के थे ये। द पोएट हु वाज पोएट लिटरेच लॉरिएट ऑफ शाहजहाँ रेन वाज कलीम, द पोएट हु वाज द पोएट हु वाज द पोएटे पोएट लॉरिएट ऑफ शाहजहाँ रेन वाज कलीम ऑफ, जिसे अबू जलीह भी कहा जाता है। द एक्चुअल नेम ऑफ मुमताज महल वाज, मुमताज महल का जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, इसका ओरिजिनल नाम था, एक्चुअल नाम था अंजुमंद बानो बेगम, अंजुमंद बानो बेगम। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ताजमहल, रेड फोर्ट, पांच महल, टॉम्ब ऑफ शेरशाह, विच कैन बी सीन एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन आर्किटेक्चर, आंसर होगा ताजमहल। हिंदू और ईरानियन आर्किटेक्चर का एक मिश्रण है ताजमहल, जाना देखना, बहुत प्यारा मोनूमेंट है। द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ। द मुगल एम्पायर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, द मुगल एम्पायर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली वॉज शाहजहाँ, द मुगल एम्पायर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली वॉज शाहजहाँ। एक तरफ है मोनूमेंट्स और दूसरी तरफ है बिल्डर्स। सो अलाई दरवाज़ा दिल्ली का बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा दिल्ली का किसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा वाली बनवाई थी शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद दिल्ली वाली बनवाई थी औरंगजेब ने, मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई थी। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, रेड फोर्ट जो है लाल किला दिल्ली का बनवाया था किसने, लाल किला दिल्ली का बनवाया था शेर शाहजहाँ ने, ठीक है, लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया था शाहजहाँ ने। उपनिषद वे ट्रांसलेटेड, उपनिषद को जो है उपनिषद जो है पुरानिक हमारे काफ़ी पुराने जो है भारत में ये टेक्स्ट हुआ करते थे, दे वे ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ, उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। द उपनिषद वे आर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई दारा सिकोह अंडर द टाइटल ऑफ सिर ए अकबर, दारा सिकोह जो था ये बेटा था बेसिकली शाहजहाँ का, और इसने जो है उपनिषद को ट्रांसलेट करवाया था, टाइटल दिया था सिर ए अकबर। शाहजहाँ गेव द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, शाहजहाँ ने टाइटल दिया था शाह बुलंद इकबाल को दारा सिकोह का, और ये वही दारा सिकोह है जिसने लड़ाई लड़ी थी औरंगजेब से, ठीक है, ताकि गद्दी पर बैठ सके, बट औरंगजेब ने इसे मरवा दिया था, औरंगजेब ने इसको मरवा दिया था। तो ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दारा सिको इज मजमा उल बहरेन, द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दारा सिको इज मजमा उल बहरेन। आउट ऑफ द गिवन नेम्स लाइक अमीर खुसरो, दारा सिको, अमीर हसन, सूजा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू इन स्क्रिप्चर्स, पहला मुस्लिम जिसने हिंदू स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया वो था दारा सिको। आउट ऑफ द गिवन हिस्टोरियंस एग्जाम्पल के तौर पर बी ए स्मिथ, इन जैन सरकार, एल श्रीवास्तव, हु डिक्लेयर द रिजाइम ऑफ शाहजहाँ टू बी द गोल्डन एरा ऑफ मुगल पीरियड, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के वजह से किया था इन्होंने, डिक्लेयर किया था गोल्डन एरा, एल श्रीवास्तव ने कहा। द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहाँ बाई, द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहाँ बाई मीर जुमला, ठीक है, फेमस कोहिनूर जो है जिसे बाद में ले के चला गया था एक अफगानी, गोल्डन पिकॉक भी ले गया था, तो पिकॉक थ्रोन जो था वो लेके गया था और कोहिनूर लेके चला गया था, तो ये कोहिनूर जो डायमंड था ये प्रेजेंट किया गया था मीर जुमला के द्वारा। द मुगल एम्पायर हु एबोलिश द पर्शियन कोर्ट कस्टम ऑफ सिजदा, सिजदा जो था ये बलबन ने स्टार्ट किया था, जिसमें सर झुकाते थे आने के बाद इम्पेरर के दरबार में सबको सर झुकाना पड़ता था, ये ख़त्म किया था किसने, ये ख़त्म किया था शाहजहाँ ने।
आउट ऑफ द गिवन नेम्स एग्जाम्पल के तौर पर दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब, हु वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रेन। सवाल फिर से सुनिए, आउट ऑफ द गिवन नेम्स दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब, हु वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रेन, वॉज औरंगजेब। और यही जो है शासन का स्किल जो उसमें डेवलप्ड हुआ, तो उसको एस्पायरेशन हो गया कि भाई मुझे अब पूरे भारत पे शासन करना है, एम्पायर बनना है। पीटर मुंडी जो कि भारत आया था ब्रिटिश ट्रेवलर, और इसने आके पटना की जो है, पटना की जो आबादी है 200,000 बताई थी पीटर मुंडी ने उस समय। तो पीटर मुंडी ब्रिटिश ट्रेवलर था, ही केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ शाहजहां। कब आया था? शाहजहां के रेन में ये आया था, शासनकाल में आया था। अब आता है औरंगजेब का, ठीक है। तो मुगलों का अगला शासक है औरंगजेब। औरंगजेब में पहला पॉइंट है कि द एम्पायर हु सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन। ऑफकोर्स बादशाह अगर सीक्वेंस से भी देखें, ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है शाहजहां को सक्सीड किया था, मुगल गद्दी पर बैठा था। द मुगल एम्पायर हु वाज कोरोनेटेड ट्वाइस, दो बार इसका कोरोनेशन हुआ, इसका नाम है औरंगजेब। दो बार कोरोनेशन हुआ, इसका नाम है औरंगजेब। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो है बैटल चल रहा था, बैटल ऑफ सक्सेशन चल रहा था, अपने भाई से ही लड़ रहा था। तो द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल, यहाँ पे एक बैटल है, जो बैटल हुए हैं मुगलों के समय में वो एक बार देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 एडी में हुआ था। ये हुआ था बेसिकली हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। फिर बैटल ऑफ सरनाल ये 1572 में हुआ था, ये अकबर के समय की लड़ाई है। कहते हैं बैटल ऑफ धर्मत 1658 में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ जजाऊ जिसे कहते हैं 1707 में औरंगजेब के समय में हुआ था। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल्स, तो यहाँ पे देखिए डिफीट ऑफ सुजा नियर बनारस, ये फरवरी 1658 में औरंगजेब के समय में ये हुआ था। फिर आता विक्ट्री ऑफ धर्मत 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। बैटल ऑफ समूगढ़ ये 29 मई 1658 को हुआ था। और बैटल ऑफ देवराय ये 1659 में हुआ था। द बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड दारा सिकोह, ये बैटल ऑफ सक्सेशन था, जिसमें दारा सिकोह भी एस्पायरेशन रखता था कि मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, और चूँकि बड़ा भाई भी था, औरंगजेब भी चाहता था कि मैं गद्दी पे बैठूं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ धर्मत में जो है एक डिसाइडर जो है हुआ, जिसमें औरंगजेब ने डिफीट कर दिया जसवंत सिंह द किंग ऑफ जोधपुर इन द बैटल ऑफ धर्मत इन 1658, एंड धर्मत वॉज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दारा सिकोह वॉज ब्यूरीड एट, दारा सिकोह मारा गया और इसे फाइनली जो है दिल्ली में इसे दफन कर दिया गया। दारा सिकोह वॉज ब्यूरीड इन दिल्ली। मुगल प्रिंस हु टुक रिफ्यूज इन श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है, मुगल प्रिंस जिसने श्रीनगर के गढ़वाल में जाके अपने आप को जो है छुपाया, क्योंकि औरंगजेब मार देता इसको। तो ये जो था प्रिंस सुलेमान सिकोह था, द सन ऑफ औरंगजेब हु रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, वीकनिंग हिज फादर्स पोजिशन अगेंस्ट द राजपूत्स। द सन ऑफ औरंगजेब हु रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, वीकनिंग हिज फादर्स पोजिशन अगेंस्ट राजपूत्स, वॉज अकबर वन था। ये अकबर वन था, ये वो वाला अकबर नहीं था, ये दूसरा अकबर था। द मुगल जनरल हु साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, पुरंदर की ट्रीटी शिवाजी के साथ साइन किया था, ये मुगल जनरल था जय सिंह। जय सिंह ने शिवाजी के साथ ये ट्रीटी साइन करा था। द मुगल एम्पायर हु वॉज नोन एज जिंदा पीर, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं हम औरंगजेब को, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं हम औरंगजेब को। द मुगल एम्पायर हु वॉज नोन एज जिंदा पीर वॉज औरंगजेब। फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज औरंगजेब, फर्स्ट मुगल रूलर जो कि लड़ाई लड़ा ब्रिटिशर्स के साथ ये था औरंगजेब। औरंगजेब गॉट द विक्ट्री ओवर बीजापुर, बीजापुर पे जीत इसने हासिल किया था 1686 में औरंगजेब ने। बीजापुर में जो आदिल शाही डायनेस्टी थी उसको ख़त्म किया था इसने। टू स्टेट्स दैट वेयर कंकर्ड बाई औरंगजेब इन डेक्कन वॉज बीजापुर एंड गोलकोंडा, दोनों को इसने कंकर किया था, दोनों को जीता था इसने, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए थे उस समय। द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687 वाज
यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी चलती थी, तो अबुल हसन कुतुब शाह जो था यहाँ पे उस समय का रूलर था। द मुगल एम्पायर हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन मुगल आर्मी, द मुगल एम्पायर हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन मुगल आर्मी वाज औरंगजेब। द मुगल एम्पायर हु हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स वो था मुगल आर्मी में औरंगजेब। द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाई औरंगजेब वॉज, जो जिहाद औरंगजेब फॉलो करता था उसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग था दर उल इस्लाम। दर उल इस्लाम उसका मतलब था कि इस्लाम जो है सर्वश्रेष्ठ होगा। द रेन ऑफ एम्पायर इन विच जिजिया वॉज री इम्पोज, जिजिया कर ऐसा कर था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, इसे री इम्पोज किया गया औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में इसे री इम्पोज किया गया। द क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा, खुद अपनी बीबी का मकबरा जो है बनवाया था इसने, इसकी बीबी मर गई थी तो टॉम्ब ऑफ बीबी भी कहते हैं। ये आपको औरंगाबाद में मिलेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर लगता है, ये औरंगजेब ने बनवाया था। द टॉम्ब विच इज़ कॉल्ड द सेकेंड ताजमहल इज टॉम्ब ऑफ रबिया उद दरौनी, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, ये औरंगजेब ने बनवाया था। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरून निशा, हु वाज द डॉटर ऑफ एम्पायर औरंगजेब, मेहरून निशा जो थी ये डॉटर थी एम्पायर औरंगजेब की, औरंगजेब की बेटी थी, और ये जो है ये गई भी थी कहाँ पे, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। औरंगजेब बेस्टोर द टाइटल ऑफ सहिबत उज जमानी, औरंगजेब बेस्टोर द टाइटल ऑफ सहिबत उज जमानी, ये किसको टाइटल दिया था, जहान आरा को, जहान आरा को ये टाइटल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाई औरंगजेब, मोती मस्जिद जो है रेड फोर्ट में दिल्ली में बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। सेंट रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ औरंगजेब, सेंट रामदास जो थे, रामदास संत रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ द रूल ऑफ औरंगजेब। अब आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। सो ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज, ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जो था वो उस समय डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था, मुगलों के शासनकाल में डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था, मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार कहा जाता था। द हेड ऑफ आर्मी इन मुगल पीरियड वॉज मीर बख्शी, जो हेड ऑफ आर्मी होता था मुगल पीरियड में वो मीर बख्शी उसको कहा जाता था। इन मुगल एरा ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी क्या था, देखिए आर्मी का हेड था, इसका काम ये भी था कि वो सुपरवाइज करे लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी सुपरवाइज करता था। अहादीस वेयर दोज ट्रूपर्स हु, ठीक है, अहादी ऐसे ट्रूपर्स हुआ करते थे मिलिट्री में जो कि ऑफर कर देते थे देयर सर्विसेज सिंगली, डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ, अटैच देमसेल्फ टू मिर्जाज। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुतसाहिब क्या होते थे, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे मुहतासिब क्या थे, तो दे वेर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स, मुहतासिब। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली बर्नियर कुरेरी मनुकी ट्रेबेनियर हु वाज अपॉइंटेड एज द फिजिशियन इन द मुगल सर्विस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली बर्नियर कुरेरी मनुकी ट्रेवेनियर हु वॉज अपॉइंटेड एज द फिजिशियन इन द मुगल सर्विस, आंसर होगा मनुकी, मनुकी जो है ये फिजिशियन बना था मुगल सर्विस में। इन मिडिवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस मेनली टू, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था मनसबदारी सिस्टम को, ताकि एक क्लीन एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जा सके। मनसबदारों को एक एरिया दे दिया जाता था, उसमें रूल करते थे वो, बट ओवरऑल अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम वेयर, इसमें जाट और मनसब की रैंकिंग हुआ करती थी, रैंकिंग दी जाती थी, उनको डिजिग्नेशन दिया जाता था। द मनसबदार्स वेयर नॉट हेरिडेटरी ऑफिशियल्स, ऐसा नहीं था कि बाप मनसबदार है तो बेटा भी बनेगा।
देर वेर थ्री क्लासेस ऑफ मनसबदास, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन करेक्टरिस्टिक्स है। एंड देर वेर 33 कैटेगरीज ऑफ मनसबदारीज। मनसबदारी सिस्टम वॉज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाई अकबर। ए मनसबदार कुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म एनी सिविल और मिलिट्री सर्विस इन एडिशन टू मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। द मनसबदार हैड टू मेंटेन आउट ऑफ हिज सैलरी ए स्टिपुलेटेड कोटा ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स एंड मूल्स एंड कार्ट्स, जो है इनको जो है रखना पड़ता था। मनसबदार गॉट कंडीशनल ऑन मसूत रैंक। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। स्टेट के इनकम का जो प्रिंसिपल सोर्स था वो था लैंड रिवेन्यू। मुगलों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में स्टेट का जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ जो अर्निंग था, कह सकते हैं रेवेन्यू था, वो था लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कहाँ से पैसा आता था? लैंड रेवेन्यू से आता था। एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, अभी भी है। द मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया था टोबैको का यूज, खैनी खाना मना था। ये था जहांगीर। मदद ए मास इंडिकेट्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट। मदद ए मास था रेवेन्यू फ्री ग्रांट लैंड ग्रांटेड टू लर्न्ड पर्सन। इसे मदद ए मास कहा जाता। जो पढ़े लिखे लोग होते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग, उनको रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट किया जाता था, दिया जाता था कि भाई लो इस पे जियो जिंदगी अपनी। द टर्म चकला हैज़ बीन यूज इन मिडिबल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। द टर्म जो चकला है, ये मिडिबल इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज में यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सुबाह एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। अगला है ऑफिसर्स एंड असाइंड ड्यूटी देखेंगे। सो दीवाने तन क्या होता था? ये ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर था जो कि ड्यूटी क्या करता था, दीवाने तन, ये लुक आफ्टर करता था जागीर और सैलरीज को। ठीक है, एक ऐसा ऑफिसर हुआ करता था, असाइन ड्यूटीज की थी, ये लुक आफ्टर करता था जागीर और सैलरीज को। मुस्तरफी जो था, मुस्तरफी, ये एग्जामिन करता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट को। मुस्तरफी जो था, ये एग्जामिन करता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट को। मुशरिफ जो था, मुशरिफ, ये लुक आफ्टर करता था ऑफिस को। मुशरिफ जो था, ये लुक आफ्टर करता था ऑफिस को। ठीक है, मुशरिफ जो था, ये लुक आफ्टर करता था ऑफिस को। एंड वकियानविस जो था, ये मेंटेन करता था एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फरमान्स को, ये मेंटेन करता था। वकियानविस जो था, मेंटेन करता था प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फरमान्स को। अब देखिए, एक तरफ इम्पेरर और उनके दीवान। अकबर के समय जो दीवान था वो मुजफ्फर खान था। ठीक है, अकबर के समय में जो दीवान था उसका नाम था मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय में जो दीवान था उसका नाम था गियास बेग इतमाद उद दौला, जो कि इतमाद उद दौला तो इसका बाप ही था, इसके वाइफ का बाप था नूरजहाँ का। गियास बेग इसकी सास थी। फिर आता है शाहजहाँ के समय में सदुल्ला खान जो था यहाँ पर दीवान था। औरंगजेब के समय में असद खान जो था ये दीवान था, असद खान। अगला है करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। सो अकबर लाइक शेरशाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ स्टेट। अकबर लाइक शेरशाह ने, शेरशाह की जैसा ही अकबर भी जो था ट्राई जरूर किया था कि करेंसी को रेगुलेट किया जा सके। एंड एज इन शेरशाही करेंसी द चीफ कॉपर क्वाइन ऑफ अकबर्स टाइम वॉज दाम। कॉपर क्वाइन को दाम कहा जाता था और सिल्वर क्वाइन को रुपया कहा जाता था। द रूलर हु इशूड सम क्वाइंस विथ फिगर्स ऑफ राम एंड सीता एंड देवनागरी लेजेंड राम सिया, ये अकबर था। इसने अपना रिलीजियस टॉलरेंस दिखाते हुए कुछ क्वाइंस ऐसे इशू किए जिसमें राम सिया का जो है उसमें फिगर बनाया गया। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर क्वाइंस वॉज नोन एज, इसको दाम कहा जाता था, वही सिल्वर क्वाइन को रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ वर्ड बंताई। द मीनिंग ऑफ वर्ड बंताई ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वॉज सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। बंताई सिस्टम जो था ये सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन था रेवेन्यू का।
द कैनल इन मुगल पीरियड विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाई री स्टोरिंग द रजबावा ऑफ फिरोजशाह द कैनल इन मुगल पीरियड विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाई री स्टोरिंग द रजाबवा ऑफ फिरोजशाह वाज साहब नहर। अब आता है एसर्सन और रीजन वाला सवाल। एसर्सन कहता है कि द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट, जो मुगल एम्पायर था ओरिजिनली एक मिलिट्री स्टेट था। एसर्सन कहता है रीजन, देखिए द वाइटलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर। तो दोनों सही है, एसर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्सन का। अगला पॉइंट है विथ रेफरेंस टू मिडीवल इंडिया द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। विथ रेफरेंस टू मिडीवल इंडिया द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, तो सबसे बड़ा हुआ करता था उस समय मिडीवल पीरियड में सूबा। सूबा मतलब मॉडर्न डे जैसा स्टेट होता है ना, वो सूबा हुआ करता था जिसे प्रोविंस भी कहते थे। सरकार मॉडर्न डे के डिस्ट्रिक्ट जैसे हुआ करते थे उस समय, सरकार हुआ करता था, और प्रगना जो थे महल्स हुआ करते थे, गाँवों के समूह को प्रगना कहा जाता था। मुगल म्यूजिक एंड पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। सो द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मुगल पेंटिंग आर, तो इसमें मुगल पेंटिंग में बेसिकली किस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता था, बैटल सीन्स को दर्शाया जाता था, एनिमल बर्ड्स वगैरह सीनेटिक व्यू में दिखाए जाते थे, नेचुरल सीन जैसे कि पेड़ पौधे इस तरीके का, पहाड़, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता था। कोर्टियर डिपिक्टिंग जो था ये भी किया जाता था। द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाई हुमायूं, मुगलों के पेंटिंग की जो नींव पड़ी हुमायूं के समय में पड़ी थी, अकबर ने भी इसे काफ़ी प्रमोट किया, बट जो ये जेनिथ पे पहुंचा, ये पहुंचा था जहांगीर के समय में। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कोड ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, ठीक है, तो एक फैक्ट है याद रखेंगे। आउट ऑफ द गिवन पेंटिंग स्टाइल्स नेमली पहाड़ी पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश में, काली घाटा विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाई मुगल पेंटिंग, तो काली घाटा पेंटिंग जो है अफेक्ट नहीं हुआ था मुगल पेंटिंग से, बाकी सब अफेक्ट हुआ है। फिर आता है दस्ताने अमीर हमजा वॉज इलुस्ट्रेटेड बाई अब्दुस समाद एंड मीर सैयद अली। दस्ताने अमीर हमजा वॉज इलुस्ट्रेटेड बाई अब्दुस समाद एंड मीर सैयद अली। द फेमस जहांगीरी पेंटर्स वेयर, जहांगीर के समय में फेमस पेंटर्स हुआ करते थे, कौन कौन से थे, अबुल हसन थे, ठीक है, उस्ताद मंसूर थे, फरुख बेग थे, बिशन दास थे, अका रीजा थे, एंड मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, गोवर्धन, कुछ हिंदू भी पेंटर्स थे इसके समय में। मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर, मैंने बताया था ना कि स्टार्ट हुमायूं ने ज़रूर किया था, बट ये जो जेनिथ पहुंचा, ये जेनिथ पहुंचा था जहांगीर के समय में। आउट ऑफ द गिवन मुगल एम्पायर्स नेमली हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, हु शिफ्टेड इम्फेसिस फ्रॉम इलुस्ट्रेटेड मैनुस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, ये जहांगीर ने ही शिफ्ट किया था, इसीलिए पेंटिंग काफ़ी ऊपर गई थी। किसानगढ़ स्कूल इज़ फेमस फॉर, किसानगढ़ जो स्कूल है ये फेमस है पेंटिंग के लिए, मुगलों का स्कूल ऑफ पेंटिंग था ये। सो नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन मुगल रूलर्स नेमली हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हु इस्टेब्लिश्ड कारखानाज, वेरी इंपॉर्टेंट, कारखानाज जो मॉडल डे जो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता है, वो कारखाना हुआ करता था, कारखानाओं को सेटअप किया था अकबर ने। आउट ऑफ द गिवन मुगल रूलर्स नेमली हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हु इस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग्स, आंसर होगा अकबर। द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल्स इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंटिंग में डिफरेंट स्टाइल थे, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसमें राजाओं महाराजाओं को दिखाया गया, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच वॉज मास्टर्ड बाई औरंगजेब, औरंगजेब जो था बीना बजाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच वॉज मास्टर्ड बाई औरंगजेब वॉज बीना। आउट ऑफ द गिवेन रागाज नेमली टोडी, भोपाली, दरबारी, भीम पलासी, विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग में टोडी गाया जाता है।
टोडी गाया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग में। म्यूजिशियंस लाइक तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम द मास्टर स्वामी हरिदास। द फॉलोअर्स ऑफ स्वामी हरिदास हैव सेट अप हाउ मेनी म्यूजिकल सेंटर्स। इन्होंने 5 म्यूजिकल सेंटर्स जो है इस्टेब्लिश करे हैं। द ध्रुपद सिंगर्स इंक्लूडेड इन द रेन ऑफ अकबर वेयर। द ध्रुपद सिंगर्स इंक्लूडेड इन द रेन ऑफ अकबर वेयर तानसेन एंड हरिदास। विथ रेफरेंस टू मियाँ तानसेन द करेक्ट स्टेटमेंट आर। मियाँ तानसेन के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट है दैट तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास एंड तानसेन ने कंपोज किया सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स। तानसेन अकबर के दरबार में थे एंड तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। द टाइटल ऑफ तानसेन वॉज गिवन बाई तानसेन को तानसेन का टाइटल दिया था राजा बिक्रमजीत सिंह ग्वालियर के राजा थे उन्होंने ये टाइटल दिया था। द टाइटल मियाँ तानसेन वॉज गिवन टू तानसेन बाई मुगल एम्पायर अकबर ने ये टाइटल दिया था मियाँ तानसेन। तानसेन को मियाँ तानसेन कहा था मुगल एम्पायर अकबर ने। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज इनका ओरिजिनल नेम था रमतनु पांडे। ये एक हिंदू थे रमतनु पांडे इनका ओरिजिनल नाम था। द किंग हु हैड गिवन पैट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर तो राजा रामचंद्र सिंह रीवा के जो थे भाटा रीजन के उन्होंने जो है राजा रामचंद्र ने पैट्रोनेज दिया हुआ था। बाद में अकबर को पता चला कि भाई बहुत खतरनाक सिंगर हैं ये तो इसने जो है पैट्रोनेज दिया अकबर ने तानसेन को। अगला है एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए ग्रेटली इंटाइटल्ड इन फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो इसमें देखिए राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, अदरांग मालगुजारी जो था ये नहीं था हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड नहीं था। द मुगल रूलर हु हैड लर्न्ड हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलवंत तो ये था अकबर। लाला कलवंत से हिंदू म्यूजिक सीखा था इसने अकबर ने। मुगल लिटरेचर आपको बताना है मुगल लिटरेचर से रिलेटेड अब आपको मिलेगा यहाँ पे पॉइंटर्स। बाबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश बाई बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा लेडन एंड अर्सकीन के द्वारा। बाबरनामा को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में लेडन एंड अर्सकीन के द्वारा। गुलबदन बेगम वॉज डॉटर ऑफ बाबर। द वुमेन हु रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन मुगल पीरियड वॉज गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई गुलबदन बेगम अगेन। दिल्लीज एजुकेशन सेंटर विच वॉज नोन एज मदरसाए बेगम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई आंसर होगा महम अनागा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। हितोपदेश वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्सियन बाई हितोपदेश को ट्रांसलेट किया गया था पर्सियन लैंग्वेज में ताज उल दिन मुफ्ती अल मलिकी के द्वारा। ऑथर एक तरफ दूसरी तरफ बुक इसको देख लेते हैं। हसन निजामी ऑथर थे तजुल मसीर के ठीक है हसन निजामी ऑथर थे तजुल मसीर के एंड ख्वांदा मीर जो थे ये हुमायूं नामा के लेखक थे ठीक है। एंड मुहम्मद काजिम आलमगीर नामक के लेखक थे। भीमसेन ये थे लेखक नस्खाए दिल खुशा के। फिर आता है ऑथर और बुक देख लेते हैं। भीमसेन कायस्था ने लिखा तारीखे दिल खुशा। चंद्र भान ब्राह्मण ने लिखा चहर चमन। ईश्वरदास नागर ने लिखा फतुहते आलमगिरी एंड सुजन राय भंडारी ने लिखा खुलासत उत त्वारीख। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन बुक्स नेमली तबकाते नसीरी किताब अल हिंद तहकीके हिंद मजमा उल बहरैन सिर ए अकबर विच इज ऑथर्ड बाई दारा सिको के द्वारा ऑथर्ड है मजमा उल बहरैन वेरी फेमस मजमा उल बहरैन दारा सिको जो कि
बेटा था शाहजहाँ का, बड़ा भाई था औरंगज़ेब का, लड़ाई भी हुई औरंगज़ेब के साथ। आलमगीर नामा ये किसने लिखा था? आलमगीर नामा लिखा था मुंशी मोहम्मद काजिम ने। तबकाते अकबरी ये लिखा निज़ामुद्दीन अहमद ने। इकबाल नामा जहांगीरी ये लिखा मोइताहमद खान ने। अगला है आउट ऑफ द गिवन मुस्लिम स्कॉलर्स नेमली अबुल फजल फैजी अब्दुलरहीम खाने खाना एंड अब्दुल कादिर बदाउनी हु हैज़ गिवन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन सभी में रहा है अब्दुल रहीम खाने खाना का। द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आपको बता रहे हैं, लिस्ट वन और लिस्ट टू में पेयर आपको मैच करना है। मुल्ला दाऊद चंदयान इन्होंने लिखा, दामोदर कवि ने लिखा पद्मावती कथा, सोमनाथ ने लिखा राग विभूत और आमिर खुसरो की रचना है आसिक। इन इंडियन हिस्ट्री अब्दुल हमीद लाहौरी वॉज एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ शाहजहाँ। अब्दुल हमीद लाहौरी जो था ये शाहजहाँ का ऑफिशियल हिस्टोरियन हुआ करता था। द ऑथर ऑफ शाहजहाँ नामा लिखा था इनायत खान ने, ठीक है। शाहजहाँ नामा जो है ये लिखा था इनायत खान ने, शाहजहाँ नामा इनायत खान ने लिखा था। अनवरे सुहेली इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है उसका ट्रांसलेशन है अनवरे सुहेली। नेक्स्ट है योगा वेस्टा वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्सियन बाई निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। योगा वेस्टा वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्सियन बाई निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर नामा वॉज कम्प्लीटेड बाई अबुल फजल, 7 साल लग गए थे अबुल फजल को अकबर नामा लिखने में। और आईने अकबरी जो कि मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी से रिलेटेड है ये बहुत फेमस, ये भी रचना है अबुल फजल की। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुग़ल वाज, मुग़लों का जो कोर्ट लैंग्वेज था वो था पर्सियन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। नस्तालिक क्या था? नस्तालिक जो था एक पर्सियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मिडिवल पीरियड हुआ करता था, मतलब स्टाइल ऑफ स्टाइल उर्दू लिखने का स्टाइल था पर्सियन स्क्रिप्ट का, बिल्कुल एक स्टाइल था इसमें ऐसे ऐसे घुमा के कैसे कैसे लिखते थे, ठीक है। नस्तालिक द पोएट हार्ट किंग हु रोट प्रेजिंग वर्सेस फॉर लॉर्ड कृष्णा अंडर द नेम ऑफ नगरी दास वाज राजा सावंत सिंह। द फेमस वर्क्स रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया वॉज कम्पोज्ड बाई केशवदास, इसका सही आंसर होगा केशवदास। द बुक फवाइदुल फवाद इज अ रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया इट वॉज कंपाइल्ड बाई आमिर हसन सिज्जी। अब हम देख लेते हैं मुगल पीरियड के कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को। तो एक तरफ है रूलर, दूसरी तरफ है फॉरेन ट्रैवलर्स जिसके समय में आए थे। तो जहांगीर के समय में 2 फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, एक तो पहला जो था वो विलियम हॉकिंग्स था, दूसरा जो था वो सर थॉमस रो था। अकबर के समय में एंथोनी मॉन्सेरेट आया था अकबर के समय में। शाहजहाँ के समय में आया था ट्रेवेनियर आया था शाहजहाँ के समय में, फ्रांस से ही आया था, ठीक है। औरंगजेब के समय में मनुक्की आया था इटली से, मनुक्की। फिर से फॉरेन ट्रैवलर्स और किस कब आए थे वो, ईयर ऑफ विजिट। हॉकिंग्स जो था विलियम हॉकिंग्स 1608 से लेकर 1611 तक भारत में रहा, और थॉमस रो जो है ये जहांगीर के दरबार में यकीन आया था, ये 1615 से लेकर 1619 तक रहा। मनुक्की का पीरियड था 1653 से लेकर 1708 तक का पीरियड ये रहा। इसके अलावा रॉल्फ फिच जो था ये आया था अकबर के समय में 1583 से लेकर 1586 के बीच में, रॉल्फ फिच। फिर आता है द फॉरेन ट्रैवलर हु इलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स माइंस ऑफ इंडिया,
ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स का नाम बताइए जिसने इलेबोरेटली डिस्कस किया अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स माइंस ऑफ इंडिया। इसका नाम है जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर। जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मुस्लिम रूलर इन्वेडर इज। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है मुस्लिम रूलर और इन्वेडर का। तो सबसे पहले जो है वह जहांगीर, फिर है मोहम्मद शाह, फिर है अहमद शाह अब्दाली, और फिर लास्ट में आता है बहादुर शाह द्वितीय। अब एक तरफ है बैटल और किस साल में हुआ था वो बताना है। बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था 1528 एडी में। बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में। ये बैटल ऑफ चौसा जो था, ये बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों बैटल शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ 1565 में। विजयनगर एम्पायर एक तरफ था, दूसरी तरफ कंबाइंड फोर्सेस थे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर का। 1565 में ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। हेमू की लड़ाई थी ये, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, धोखा हो गया था उनके साथ, डेथ हुआ था अकबर का 1605 में, और इसी के साथ जो जहांगीर गद्दी पे बैठा था। डेथ ऑफ औरंगजेब हुआ था 1707 एडी में, 1658 से 1707 तक इसने शासन किया था। बैटल और किस साल में हुआ, बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ महाराणा प्रताप अकबर 1576, बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ 1540, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, बाबर ने ये लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ खानवा, बाबर और राणा सांगा की लड़ाई थी। द फोर फॉरेन इन्वेशंस आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ भारत पे, फिर तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1398 में, फिर आक्रमण हुआ नादिर शाह का, अफगानी था ये, और फिर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया भारत पे। इवेंट्स और ईयर देख लेंगे एक बार। डेथ ऑफ शिवाजी 1680 एडी में हुआ था। ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में मिला था कि जाओ भैया और ईस्ट में ट्रेड करो। नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली 1739 में, नादिर शाह ने तबाही मचा दी थी, खुन्नम खून कर दिया था दिल्ली को। एक्सेशन ऑफ अकबर, अकबर गद्दी पे बैठा 1556 में। अब आता है बैटल एंड किस साल वो बैटल हुआ। बैटल ऑफ चंदवार हुआ था 1194 में। तैमूर लंग का इन्वेशन भारत पे 1398 में। बैटल ऑफ तालीकोटा एक तरफ विजयनगर एम्पायर, दूसरी तरफ कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, बाबर ने ये लड़ाई लड़ी थी। अगला है बैटल ऑफ सरनाल। बैटल ऑफ सरनाल जो है ये अकबर की लड़ाई है 1572 में। बैटल ऑफ धर्मत जिसमें सक्सेशन के लिए दारा सिको और औरंगजेब की लड़ाई थी। बैटल ऑफ जाजुआ 1717 में, और बैटल ऑफ असीरगढ़ 1601 में अकबर ने लड़ा था। अगला है अटा अली खान। अटा अली खान वाज द नेम ऑफ तानसेन। अटा अली खान जो है अगेन एक दूसरा नाम है तानसेन का, आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम, ये कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में। मुगल्स एडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम जोरोस्ट्रियन। मुगलों ने नवरोज फेस्टिवल को अडॉप्ट किया था जोरोस्ट्रियनिस से, पर्शियन ये एक फेस्टिवल था। हेमचंद्र विक्रमादित्य इज़ फेमस इन इंडियन हिस्ट्री एज हेमू। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो थे, हेमू कहा गया है। सेकेंड बैटल में अकबर की हेमू से लड़ाई हुई थी। द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बीन यूज फॉर पृथ्वीराज। द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी ये टर्म यूज़ किया गया है पृथ्वीराज चौहान के लिए। दारा सिको वॉज ब्यूरिड, कहाँ दफनाया गया था दारा सिको को, उसको दफनाया गया था दिल्ली में। एक तरफ है रूलर्स, दूसरी तरफ उसके बिल्डिंग्स। तो बाबर जो है, बाबर की जो है बिल्डिंग जामा मस्जिद इसने बनवाया था संभल में। हुमायूं ने दीन पनाह बनाया था, ठीक है। अकबर ने बनवाया था जहांगीर महल, जहांगीरी महल, जहांगीर ने बनवाया था इमाद उल दौला का म्यूजोलियम, ठीक है, जहांगीर ने बनवाया था इमाद उल दौला का म्यूजोलियम, जहांगीर ने बनवाया था।
अगला देखते हैं बिल्डिंग और रूलर्स। कुतुब मीनार किसने बनवाया था भैया? कंप्लीट करवाया था ऑफकोर्स इल्तुतमिश ने, स्टार्ट कराया था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पांचवा फ्लोर बनवाया था इसमें फिरोज शाह तुगलक ने। गोल गुंबद बीजापुर का ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने, आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बुलंद दरवाज़ा गुजरात पे विक्ट्री के बाद 1572 में बनवाया गया, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाया था औरंगजेब ने, ये लाल किला के ही अंदर एक मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने दिल्ली में। द बिल्डिंग्स विच इज़ नोन एज शाह ए फतेहपुर, ये बिल्डिंग है जामा मस्जिद। द बिल्डिंग विच इज़ नोन एज शाह ए फतेहपुर, आंसर होगा जामा मस्जिद। अब एक तरफ बैटल्स है, दूसरी तरफ किस साल में हुआ था वो बताना है आपको। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी अकबर की, अकबर ने राणा प्रताप के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी जिसमें ये जीत गया था। बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं के अगेंस्ट, हुमायूं ने लड़ा था अगेंस्ट शेरशाह, इसमें हार गया था हुमायूं। रिवोल्ट ऑफ खुरसों हुआ था जहांगीर खुरसों के समय में। बैटल ऑफ खानवा बाबर लड़ा था राणा सांगर से जिसमें राणा सांगर हार गए थे। बैटल ऑफ बल्ख हुआ था, शाहजहाँ ने लड़ा था इसको, ताकि जो हमारा वेस्टर्न प्रोविंस का जो एरिया था उसमें वहाँ पे ये पपेट नवाब बिठाना चाहते थे जो कि फर्दर जो उधर से इन्वेशन हो रहा था वो उसको रोक सके। काबुल वगैरह को बॉर्डर बनाए, मतलब उस रीजन में फर्दर इन्वेशन ना हो ईरानियन का, इसके लिए ये बैटल लड़ा गया था बैटल ऑफ बल्ख। नेक्स्ट है द सुल्तान हु वॉज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया गया है सुल्तान जैनुल अबिदीन को, सुल्तान जैनुल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया गया है। एक तरफ है वर्ड, दूसरी तरफ है रिलेटेड डायनेस्टी। इकता जो वर्ड है ये दिल्ली सल्तनत पीरियड से स्टार्ट हुआ था, इकता जागीर मुगलों का शब्द है, अमराम विजयनगर एम्पायर का ये शब्द है, और मोक्सा जो है ये मराठाओं का शब्द है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई, ये इम्पोर्टेंट वुमेन्स जो रही हैं। पद्मिनी जो थी जिसे पद्मावत भी कहा गया है। बिल्डिंग्स ऑफ मुगल पीरियड और उसके प्लेसेस। शेरशाह सूरी का टॉम जो है, मुगल पीरियड के समय में ही शेरशाह सूरी भी थे, अफगान शासक थे ये बहुत बड़े। इनका दरगाह है सासाराम में, काफ़ी अच्छा प्यारा सा दरगाह है, ऑक्टागोनल शेप में है ये। हुमायूं टॉम जो है दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा। जहांगीर का महल आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, आगरा से 50 किलोमीटर और आगे बुलंद दरवाज़ा के बाद आता है। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में बनवाया था अपनी बीबी के लिए औरंगजेब ने। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट किया गया था रेड सैंड स्टोन से, आप देखोगे भव्य दरवाज़ा है, एलॉन्ग विथ वाइट मार्बल टू डेकोरेट इट। वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग सलीम चिश्ती टॉम एंड नॉट इन खानकास। ब्रिक्स एंड लाइम वेयर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा। अगला है द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्पायर वॉज मुर्शीद कुली खान। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मौलिम वॉज, मुगल पीरियड के समय में मौलिम क्या था? तो मौलिम वॉज ए नेविगेटर हु वॉज एन एम्प्लॉयर ऑन इंडियन मर्चेंट शिप्स। द मॉस्क खयूर उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई महम अनागा, आंसर होगा महम अनागा। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मोनूमेंट्स आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा अटाला मॉस्क जो कि जौनपुर में है, फिर आएगा शेर शाह सूरी का टॉम सासाराम में है, हुमायूं टॉम दिल्ली में है, और रबिया दौरानी का टॉम जो है ये औरंगाबाद में है। During the Mughal period, the madrasa, which specialized in the teaching of Muslim jurisprudence, was located in Lucknow. During the Mughal period, the madrasa, which specialized in the teaching of Muslim jurisprudence, was located in Lucknow.
द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब इज सिचुएटेड है, औरंगजेब का टॉम्ब जो है ये सिचुएटेड है खुल्दाबाद औरंगाबाद में, खुल्दाबाद औरंगाबाद में। आउट ऑफ द गिवन पोर्ट्स नेमली कैलिकट, भरूच, कैम्बे एंड सूरत, विच वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो आंसर होगा सूरत। सूरत को गेटवे ऑफ मक्का बोला गया क्योंकि वेस्ट में है ना, वहाँ से। बंजाराज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर देवेयर ट्रेडर्स, जो बंजारा हुआ थे तो घुमंतु भोटिया टाइप घूमते रहते थे, वो ट्रेडर्स हुआ करते थे। मुगल पीरियड, मुगल ग्लॉसरी और एक तरफ है मीनिंग और वर्क। दाम जो था कॉपर कॉइन को कहा जाता था। दिसाई यूज किया जाता था रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए। दीवान कहा जाता था रेवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस को। और जरीब होता था यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट, यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। गवर्नमेंट ऑफ मिडिवल पीरियड वॉज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वॉज द फ्यूजन ऑफ परसो अरेबिक, तुर्को मंगोल, इंडियन एलिमेंट का ये फ्यूजन था, सबको मिला के बना था। इन द टाइम्स ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वॉज नोन एज, मुगलों के समय में झारखंड को कुकरा कहा जाता था, झारखंड को कुकरा कहा जाता था। अब आता है सिख सेक्ट, पहला है इसमें गुरु नानक हैड अपॉइंटेड हिम एज हिज सक्सेसर, गुरु नानक ने अपने सक्सेसर के तौर पे गुरु अंगद को नियुक्त किया था। गुरु नानक जो थे फाउंडर थे सिख सेक्ट के। द प्रोजेनिटर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज, द प्रोजेनिटर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज गुरु अंगद। द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वाज इस्टेब्लिश्ड बाई गुरु रामदास, गुरु रामदास इज द राइट आंसर। द सिख गुरु टू हुम अकबर डोनेटेड 500 बिघाज ऑफ लैंड, द सिख गुरु टू हुम अकबर डोनेटेड 500 बिघाज ऑफ लैंड, तो आंसर होगा रामदास। रामदास सिख गुरु थे जिनको 500 बीघा लैंड जो है डोनेट किया गया था अकबर के द्वारा। ये डोनेशन था टू हिज वाइफ बीबी भानी के नाम पे। द सिख गुरु हु हेल्प रीबेल प्रिंस खुसरो विथ शेल्टर एंड वेल्थ, और इसी के वजह से अर्जुन देव को जो है, अर्जुन देव को जो है मार दिया गया था। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब वाज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ या फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसको किसने कंपाइल किया था, गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया था। द सिख गुरु हु वेयर पेनलाइज्ड विथ डेथ बाय द रूलर्स ऑफ द टाइम, मतलब जहांगीर ने मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मरवाया था औरंगजेब ने, ठीक है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिख प्रोफेट डेथ, ये सिख प्रोफेट थे गुरु तेग बहादुर, ये पिताजी थे किसके, दसवें गुरु के, गुरु गोविंद सिंह जी के। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली रूप कुंड, हेम कुंड, तारा कुंड, ब्रह्म कुंड, वेयर इज ए फेमस सिख गुरुद्वारा लोकेटेड, तो हेम कुंड में एक फेमस श्री सिख गुरुद्वारा लोकेटेड है। द सिख गुरु हु वाज बॉर्न इन पटना, सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, दसवें सिख गुरु थे, इनका जन्म पाटलिपुत्रा में पटना में हुआ था, जहाँ पे पटना साहिब बोलते हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी फेमस ये सिखों का पूजनीय स्थल है। नांदेद, नांदेद इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय सिक्स ड्यू टू द म्यूजोलियम ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, नांदेद में गुरु गोविंद सिंह जी का म्यूजोलियम है इसलिए काफ़ी इसको सेक्रेड माना जाता है नांदेद को, सिख यहाँ पे काफ़ी जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही फॉर्म्ड, सिखों को बिल्कुल एक फाइटिंग फोर्स बना दिया था इन्होंने, ही फॉर्म द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सिख जिसे खालसा कहते हैं, खालसा पंथ। द सिख गुरु हु इंस्टीट्यूटेड, द सिख गुरु हु इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ इन द ईयर 1699, आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। द लास्ट प्रोफेट ऑफ सिख वाज, लास्ट प्रोफेट थे गुरु गोविंद सिंह जी। द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वाज, ओरिजिनल नेम था बंदा बहादुर का लक्ष्मण देव, बंदा बहादुर का ओरिजिनल नेम था लक्ष्मण देव।
करेक्टली मैच करना है। गुरु अर्जुन देव को जो है गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने कंपोज करवाया था। गुरु अमरदास ने मंजी सिस्टम लाया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ यानी कि सिखों को मिलिट्री सेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। दल खालसा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई कपूर सिंह। दल खालसा जो है इस्टेब्लिश किया था कपूर सिंह ने। द लास्ट किंग ऑफ सिख किंगडम वॉज दिलीप सिंह। डिस्कस करते हैं हम लोग मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी के बारे में। सो द करेक्ट रीज़न फॉर मराठा राइज, मराठाओं का राइज क्यों हुआ था, करेक्ट रीज़न बताना है। मराठाओं का राइज हुआ था ड्यू टू रिलीजियस कॉन्शियसनेस, उनकी काफ़ी अवेयर थे ये अपने रिलीजन्स को लेके, ठीक है। वो जानते थे कि हम लोग यहाँ के इंडिजिनस हैं और ये भावना उनके अंदर पूरी बसी हुई थी कि भाई मुस्लिम अब हमें रूल कर रहा है। तो ये रिलीजियस कॉन्शियसनेस इनके ऊपर था, हावी हुआ। ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी थी इनकी, पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई इनके अंदर और हाई क्वालिटी ऑफ लीडरशिप मिला इनको बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। शिवाजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ सलहेर। बैटल ऑफ सलहेर 1672 में लड़ा गया था, जहाँ पे मुग़लों की आर्मी को ये जो है औरंगजेब की आर्मी को इन्होंने हराया, ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी वॉज बॉर्न इन, शिवाजी का जन्म हुआ था औरंगजेब नहीं है सॉरी ये उस समय शाहजहाँ था। शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। 1627 ही आंसर आता है, 1630 तो यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया है। द कमांडर हु वॉज सेंट बाई सुल्तान ऑफ बीजापुर फॉर रिप्रेशन ऑफ शिवाजी इन 1659, तो अफजल खान को भेजा बीजापुर के जो है शासकों ने, आदिल शाही डायनेस्टी के, इस कमांडर को भेजा गया और इसको मार दिया शिवाजी ने। द सिटी इन विच शिवाजी वॉज इन कैप्टिविटी वेन ही एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ मुगल्स, तो ये आगरा में जो है, द सिटी इन विच शिवाजी वॉज इन कैप्टिविटी, आगरा में ये कैप्टिव बना के रखे गए थे मुगलों के द्वारा। षड्यंत्र ये था कि मार दिया जाएगा, बट ये वहाँ से कैसे भी बचा के भाग गया। द कैपिटल ऑफ शिवाजी वॉज रायगढ़, रायगढ़ जो था ये कैपिटल था शिवाजी का। शिवाजी वॉज फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति, ये कहाँ पे इन्होंने छत्रपति का क्राउन लिया, तो ये रायगढ़ जगह है। द नेम ऑफ शिवाजी गुरु, शिवाजी के गुरु का नाम है रामदास, शिवाजी के गुरु का नाम है रामदास। द इवेंट्स रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, द इवेंट्स रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। नंबर वन इवेंट है द एपिसोड ऑफ अफजल खान, इसको मारा था इन्होंने 1659। स्टार्ट ऑफ क्लैश विथ मुगल्स 1657 में। विक्ट्री ऑन द फोर्ट ऑफ चकान जुलाई अगस्त 1660 में। एन अटैक एंड सैक ऑफ सूरत 1664 में। अष्ट प्रधान जो था, एक सिस्टम था मराठाओं का, अष्ट प्रधान वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई शिवाजी, जिसमें आठ जो है नेता हुआ करते थे। सो अष्ट प्रधान जो था एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अष्ट प्रधान क्या था, अष्ट प्रधान जो था ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करता था जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था। द ऑफिसर्स इन अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी, उसमें नंबर वन पेशवा था, नंबर टू अमात्य हुआ करता था। पेशवा जैसे प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में होता है ना, वैसे पेशवा हुआ करता था। नंबर टू अमात्य मजुमदार, नंबर थ्री नेक्स्ट था वकीनविस, फिर सूरानविस या फिर सचिव, फिर सुमंत या फिर दबीर भी बोलते थे, सेनापति या फिर सरे नौबत भी बोला जाता था, पंडित राव और न्यायाधीश। ये आठ लोगों का ये अष्ट प्रधान जो था मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करता था। एट द टाइम ऑफ शिवाजी द पोस्ट ऑफ सरनोबत वॉज रिलेटेड विथ, एट द टाइम ऑफ शिवाजी द पोस्ट ऑफ सरनोबत वॉज रिलेटेड विथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। एट द टाइम ऑफ शिवाजी द पोस्ट ऑफ सरनोबत वॉज रिलेटेड विथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। द मेम्बर ऑफ शिवाजी अष्ट प्रधान हु लुकड आफ्टर फॉरन अफेयर्स वॉज, द मेम्बर ऑफ शिवाजी अष्ट प्रधान हु लुकड आफ्टर फॉरन अफेयर्स वॉज, आंसर होगा सुमंत। द पर्सन हु स्ट्रीम लाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी, द पर्सन हु स्ट्रीम लाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी वॉज बालाजी विश्वनाथ। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पेशवाज रूल आपको बताना है, तो सबसे पहले पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव।
द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। सबसे पहले आएगा संभाजी का रेन, फिर राजा राम का शासन, फिर शिवाजी का शासन, फिर छत्रपति साहू जी का शासन आता। द मराठा किंगडम हैड बिकम ए कॉन्फेडरेसी प्रिसाइडेड ओवर बाय पेशवा। ये 1750 एडी में ये हुआ था, कॉन्फेडरेसी बनाया गया, पेशवा उसको हेड करता था। द सक्सेसर ऑफ साहू जी वेर डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ पेशवा। नेक्स्ट है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर जो इंडिया में उभर के आया मुगलों के एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, वो था मराठा पावर। द मराठा किंग बिकम ए नॉन एंटिटी एंड द पेशवा द वर्चुअल लीडर फ्रॉम द टाइम ऑफ बालाजी विश्वनाथ से शुरू हो गया। किंग जो है इतना पावर नहीं होल्ड करता था जितना पेशवा जो है पावर होल्ड किया करता था। ये बालाजी विश्वनाथ बाजीराव के समय से स्टार्ट हुआ था। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब्स डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन हैंड्स ऑफ ताराबाई। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन द हैंड्स ऑफ ताराबाई। नेक्स्ट आता है, सरंजामी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू। सरंजामी सिस्टम जो था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा से रिलेटेड था। सरंजामी सिस्टम जो था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था मराठाओं का। द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय द नेम ऑफ चौथ। ये बोलते थे मराठा कि हमें चौथ दोगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब किसी दूसरे का आक्रमण नहीं होने देंगे। ये चौथ टैक्स हुआ करता था, चौथ और सरदेश मुखी दो टैक्स हुआ करते थे। ए हिस्टोरियन हु विटनेस्ड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज काशीराज पंडित। ए हिस्टोरियन हु विटनेस्ड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज काशीराज पंडित। द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में लड़ी गई थी, उसका कारण था दैट ही वॉन्टेड टू एवेंज द एक्सपल्सन ऑफ हिज विक वायसराय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाई मराठा। मराठाओं ने उसको भगा दिया था, इस चक्कर में उसने अटैक कर दिया। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वेर डिफीटेड बाई अफगान्स। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ जिसमें मराठा डिफीटेड हुए अफगानों के द्वारा, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इट वॉज फॉट बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1761 में मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। द रोहिला चीफ हु वॉज द कॉन्फिडेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली इज नजीब खान। द रोहिला चीफ हु वॉज द कॉन्फिडेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली इज नजीब खान। पेयर्स को करेक्टली मैच करना है। टकोली जो है ये एक एनुअल ट्रिब्यूट दिया जाता था जमींदारों के द्वारा मराठाओं को। सैर हुआ करता था, टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। पंडारी जो था ये एक टैक्स था, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वालों से। सेवाई सेवाई हुआ करता था, अमाउंट ऑफ पेक्यूनरी टैक्स और पेनाल्टी। द मोदी स्क्रिप्ट वॉज इम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मोदी स्क्रिप्ट वॉज इम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मराठास। अब आखिरी टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री का, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। कैसे टूटा मुगल एम्पायर उसके बारे में बताएंगे। सो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द किंग मेकर्स वेयर हुसैन अली एंड अब्दुल्ला। दो ये अली ब्रदर्स हुआ करते थे, ये किंग मेकर्स बन गए थे, जिसको चाहते थे उसको किंग बनाते थे। द पर्सन हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ इन 1707 वॉज बहादुर सावन। औरंगजेब के बाद जो है गद्दी पे बैठा बहादुर सावन, और ये जो है इतना स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था। मुगल एम्पायर जहानदार शाह रेन केम टू एन अर्ली एंड। रीजन क्या था? रीजन था कि ही वॉज डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू इन द बैटल, और इसके साथ ही इसका शासनकाल हवा में उड़ गया। आउट ऑफ द गिवन मुगल एम्पायर्स नेमली अकबर जहांगीर बहादुर शाह फरुखसियर हु ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी टू इंग्लिश इन बंगाल। ये था फरुखसियर का फरमान जिसमें उसने ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है इंग्लिशों को दे दिया कि भाई बंगाल में ट्रेड करो, कोई चार्ज नहीं देना है। द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन मयूर सिंघम, जिसे उठा के लेके चला गया था नादिर शाह, ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक वॉज मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने अटैक किया दिल्ली पे, दिल्ली को तहस नहस किया। मुगलों की जो एक
पिकॉक थ्रोन था उसको भी उठा ले गया और साथ में ले गया कोहिनूर का हीरा। ए ग्रुप ऑफ इनोच एंड लेडीज़ डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर मुहम्मद शाह, 1719 से 1748 तक शासन किया। ये रंगीला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लेडीज़ में इंटरेस्टेड था काफ़ी ज़्यादा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मुगल रूलर्स आर, नंबर वन जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासन किया, फिर मुहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं इसे 1719 से 1748 तक, अहमद शाह 1748 से 1754 तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। नेक्स्ट है द मुगल इम्पेरर हु वॉज नॉट अलाउड टू इंटर दिल्ली बाई वजीर गयासुद्दीन। शाह आलम द्वितीय को वजीर गयासुद्दीन जो था वो आने ही नहीं दे रहा था, ये मुगल इम्पेरर था तब, ठीक है, तब भी इसको आने नहीं दिया जा रहा था और बगावत कर दिया वजीर गयासुद्दीन ने, गजीउद्दीन ने। द लास्ट मुगल इम्पेरर ऑफ इंडिया वॉज बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इसको जो है फाइनली अंग्रेज़ों ने इसे बर्मा रंगून भेज दिया गया, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। द फादर्स नेम ऑफ बहादुर शाह जफर वाज अकबर शाह द्वितीय, फादर नेम जो है बहादुर शाह जफर का अकबर शाह द्वितीय है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बहादुर शाह जफर की बात करें तो दिस इज ही वाज एम्पायर विदाउट एन एम्पायर, इसका एम्पायर तो था लेकिन एम्पायर बिल्कुल सिकुड़ गया था, ख़त्म हो गया था। इब्राहिम जौक एंड असद उल्ला खान गालिब वेयर हिज पोएट्री टीचर्स, काफ़ी इंटरेस्टेड था पोएट्री में। हसन अस्कारी वाज हिज स्पिरिचुअल गाइड। द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध वाज, अवध का पहला नवाब था सदात खान, अवध का पहला नवाब कौन था, सदात खान था। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद वाज, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद वाज मुर्शीद कुली चीन कुलिच खान भी बोलते हैं, निजाम भी कहा जाता है इसे, चीन कुलिच खान। नेम द पर्सन हु हैड कंस्ट्रक्टेड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर एट दिल्ली। तो ये राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जंतर मंतर एट दिल्ली जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बनाया गया था जय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा जय सिंह द्वितीय कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेटरीज एट, इन्होंने दिल्ली में बनवाया, जयपुर में बनवाया, उज्जैन में बनवाया और वाराणसी में भी बनवाया। नेक्स्ट है द बुक जीज मोहम्मद शाही, द बुक जीज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1773 इज रिटन बाय, इसको लिखा था सवाई राजा जय सिंह के ने लिखा था, जयपुर वाले। तो यहाँ पे दोस्तों ख़त्म होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसे हम एक ही वीडियो में, अगले वीडियो में मास्टर वीडियो बना के कवर कर लेंगे। टोटल जो है वहाँ पे 70 पेजेस के आसपास आपको मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।